अब एस डी बी के फोल्डर के अंदर क्या होगा, बेसिकली मॉडल्स होंगे, बोलूँगा हैश पासवर्ड इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि अवेट को भी साइन करने के टाइम पे हमें एक सीक्रेट की देनी पड़ती है कि अगर इसी सीक्रेट किसी का साइन हो तो ही एंट्री मिले वरना ना मिले। तो हम क्या करते हैं, JWT.sign करेंगे, सही चाहिए, और वो क्या होगी, आईडी होगी मेरी, मैं इस यूज़र की आईडी एक छोटा सा। हे गाइस, वेलकम टू द डे 3। आज हम इस वीडियो में हमारे कोडेड एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आई गेस ये हमारा लास्ट पार्ट हो सकता है, बट फिर भी देखेंगे, डेवलपमेंट स्पीड के ऊपर देखेंगे, इस कंप्यूटर कैसे सपोर्ट करता है देखते हैं। एंड आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने वीडियोस बाद में जब देखे एडिटिंग के टाइम पे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बीच में थोड़े से लैग है, बट आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, सो दैट कि मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको बताऊँ या फिर उसको और एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। हमने देखा था कि हमने एक गेट यूजर्स फंक्शन कॉल किया था, और गेट यूजर्स फंक्शन जो है बैकएंड से बराबर से डेटा ला रहा है, ठीक है। मैं ऐसे कर, कूल एम ओ, रुको मुझे चेक करने दो, OBS, यस फाइन, ठीक है फाइन। नाउ हम देखेंगे कि कैसे हम एक कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे। बेसिकली कंपोनेंट नहीं बनाते हम यहाँ पे ही करेंगे, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। I'll do here like, देखो मैं ऐसे करूँगा। अब ये जो div है मेरा होम div है, तो मैं उसके अंदर और एक div बनाऊँगा, और इस div में पूरा का पूरा जो कार्ड का डेटा होगा वो होगा। और मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि क्लास नेम्स, ठीक है क्लास नेम, मैं बोलूँगा ये फ्लैक्स हो जाए, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, ठीक है आइटम सेंटर एम वाई 10, अच्छा मार्जिन वाई से 10 दूंगा, ठीक है मार्जिन वाइज से 10 दूंगा। एंड स्मॉल स्मॉल डिवाइजेस से आगे क्या हो कि मार्जिन वाइज से 32 हो जाए, रुको मैं 32, ठीक है 73 नहीं 32, कूल। अब आपको इतना कुछ चेंजेस दिखेगा नहीं, बट चेंजेस हो रहा है। मैं एक और काम करना चाहूँगा कि रुको दो मिनट, थोड़ा बहुत लैग एंड चल बाद में करते हो। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हम एक कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे और उसको मैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं एक कार्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट डेव के अंदर एक कंपोनेंट होगा बेसिकली, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक इमेज होगा, सॉरी IMG होगा, मैं भूल गया, मैं नेक्स्ट JS नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग रिएक्ट JS, ठीक है। मैं इमेज टैग करूँगा, इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स ना बेसिकली क्या होगा, जो मेरा फिल्टर यूजर्स है, ठीक है, अभी यूजर्स में ना अच्छा यूजर्स डॉट ज़ीरो जो भी होगा, ठीक है ज़ीरो जो भी है उसका प्रोफाइल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है, और अल्ट में क्या होगा, अल्ट में सिंपल होगा कि जो भी मेरा ओके मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, एंड इफ आई डू दिस, मैं अल्ट में क्या दूंगा, यूजर्स में से जीरोथ इंडेक्स पे जो भी बंदा है उसकी प्रोफाइल। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप राइट क्लिक कर मतलब लाइक करेंगे तो आगे जाएगा, मैं दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, एक डिज़ाइन बना लेते हैं, सो दैट कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो हम क्या करने वाले हैं। ओके कूल, अब मेरा इमेज बन गया, मैंने चेक कर दिया कि क्या मेरा इमेज दिख रहा है, यस देखो प्रोफाइल दिख रहा है। मैं एक काम करूँगा, मैं इस आई गेस मैंने इस आईडी को ही बनाया क्या, नहीं मैंने दूसरे आईडी को भी बनाया, तो मैं यूज़र्स इसको वन करके देखता हूँ, वन पे कौन सी प्रोफाइल है, वन पे कोई अच्छी प्रोफाइल आ जाए यार, ताकि ये PNG ना दिखे। हाँ ये थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म मेरी फ़ोटो है, मैं इसको यूज़र्स टू कर देता हूँ यार, टू पे तो कोई अच्छा डेटा आना चाहिए, टू पे कोई अच्छा डेटा, या फिर डेटा, मैं डेटा तो एक्चुअली बनाया है इसके अंदर, हाँ ये ठीक है, ठीक है क्योंकि मेरा फुल फ्लैश्ड इमेज है, मैं पता तो मुझे कैसे पता चला कि हाई रिजोल्यूशन इमेज है, तो हम उसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। अब यार ये जो इमेज है, ठीक है, अब मैं उसके नीचे एक डिव दूंगा, ठीक है डिव, क्योंकि मुझे
इस इमेज को एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको विद और हाइट वगैरह भी दे देता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको विद दूंगा और या फिर मैं इसको क्लास नेम देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्लास नेम क्या दूंगा मैं उसको, बोलूँगा कि राउंडेड है ना, राउंडेड एल जी है तू, ऑब्जेक्ट कवर, मैं इसको कंट्रोल बी करता हूँ ताकि ये, हाँ कवर, ऑब्जेक्ट कवर, ओके श्योर। और क्या कर सकता हूँ मैं, 2 मिनट, ऑब्जेक्ट कवर बोल सकता हूँ और मैं क्या बोलूँ, इसका विद है ना फुल और इसकी हाइट है ना फुल हो जाए। ठीक है, और इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन देना चाहूँगा बिकॉज ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, और क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा और ड्यूरेशन 300 सेकेंड्स दे देता हूँ, ड्यूरेशन 300, ओके 300, सजेशंस नहीं है, ड्यूरेशन 300 सेकेंड, ओके 300, सो ड्यूरेशन, ठीक है तो टी आई ओ, ड्यूरेशन 300 सेकेंड्स, ओके 300। अब और क्या दे सकता हूँ मैं, बोलूँगा इसको ईज इन आउट, ओके ईज इन आउट हो गया। मैं ट्रांसफॉर्म ये एक भी दे देता हूँ और मैं इतना बोलूँगा कि जब होवर हो ना तब स्केल हो, 10 सेकेंड्स, ओके और 10 सेकेंड्स स्केल हो, 10 सेकेंड्स, 10.0105, ओके 10 सेकेंड्स नहीं सॉरी, कर्सर पॉइंटर एंड देन मैं जब इसको ऐसे करूँगा और आप अभी देखोगे कि जब मैं इसको होवर करो इसका विथ फुल ये है। ठीक है, ये अब इसका विथ फुल कैसे करेंगे, देखो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस डेव है ना, एक डेव को मैं वेज वगैरह दूंगा सो ये प्रॉपर हो जाएगा। सो क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम दूंगा, सो क्या इसको बोलूँगा कि तू भाई राउंडेड है एल जी, ठीक है शेडो है तेरे पास एंड शेडो इज प्राइमरी लाइट। ठीक है, फिर शेडो जो है वो स्मॉल है, ओके विद इसका 75, ओके विद इसका 75 EW है एंड हाइट इसका, ठीक है हाइट इसका 80 VW है, 80 VW, कूल कूल। ठीक है, फिर जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इसका विथ कितना हो जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विथ 75 EW किसके लिए होगा, ये मोबाइल डिवाइस होगा, लेकिन मोबाइल डिवाइस क्या होते हैं, स्मॉल डिवाइस। अब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर वाले डिवाइसेस क्या, मैं बोलूँगा कि इसका विथ है ना वो 25 VW हो जाए, बिकॉज स्मॉल डिवाइस के ऊपर कौन से आते हैं, हमारे मीडियम डिवाइस लाइक मेरे आईपैड आते हैं एंड मेरे लैपटॉप से फिर मॉनिटर्स आते हैं, तो उनके लिए क्या, तो उसका विथ 25 VW एंड इसको एक बोलूँगा कि मैं इसका हाइट 80 VW, हाँ स्मॉल डिवाइस के ऊपर इसका हाइट जो है ना वो क्या कर दो, 60 VH कर दो, 60 VH कर दो। और अभी अभी अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो देखो क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। अब मैं और एक चीज़ इसको बोलूँगा कि भाई एक काम कर, रुको मैं, हाँ कूल, थोड़ा लैग, मैं ठीक है, हाँ कूल। अब 80 VW में काम करूँगा, मैं बोलूँगा इसको ओवरफ्लो ना, ओवरफ्लो कर दे हिडन, ओके ओवरफ्लो हिडन कर दे एंड इसको रिलेटिव कर दे, रिलेटिव क्यों मैं आगे ही बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है एक्चुअल टेस्ट नहीं है वो, मैंने वह थंबनेल दिया है ना तो वैसे ही गया। अब इमेज का आइडिया हो गया, अब मैं ये जो डिव है ना उसमें ना कुछ चीज़ें और बनाऊंगा, ठीक है अब और क्या चीज़ें बनाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। अब इस डिव में मैं एक और डिव दूंगा, ठीक है इस डिव को मैं बोलूँगा, इसको क्लास नेम दूंगा बेसिकली इस डिव को, और क्लास नेम बेसिकली यार या फिर क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम दूंगा और उसको बोलूँगा कि तू भाई एब्सोल्यूट है, ठीक है टॉप से, ठीक है बॉटम से 0 है, ठीक है बॉटम से 0, ओके फिर मैं क्या बोलूँगा लेफ्ट से 0 है, 0 है और राइट से 0 है, ठीक है और मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेफ्ट से राइट और बॉटम से 0 हो गया, ठीक है फिर पैडिंग 4, ठीक है पैडिंग 4 से अच्छा दिखेगा, बी जी ग्रेडियंट करेंगे हम, बेसिकली क्या करना है वो ब्लैक चीज़ बना रही है, ठीक है ग्रेडियंट टू क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट टू टॉप मतलब बी जी बैकग्राउंड ग्रेडियंट हो बॉटम से टॉप तक, ठीक है ऐसा, और फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक, फ्रॉम ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट, ठीक है तो अभी कैसा ये पैरेंट ट्रांसपेरेंट बराबर है क्या, ट्रांसपेरेंट हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है
अब मैं अगर ऐसा देखूंगा तो अभी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खास आंसर दिख रहा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अभी टेक्स्ट वगैरह डालूंगा ना, तो सब बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको H1 देता हूँ, ठीक है, एक H1 देता हूँ। एंड आई विल से कि इसका पहले मैं क्लास नेम्स ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को ईजी पड़ेगा क्लास नेम्स। और इसको बोलूँगा मैं इसका टेक्स्ट अंदर का वाइट हो, टेक्स्ट का साइज़ 2XL हो, 2XL आई डोंट थिंक, और फॉन्ट है ना वो सेमी बोल्ड हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, आए इसके अंदर आए मेरे यूज़र का क्या है, यूज़र 2 है ना ये, तो मैं इसके अंदर बोलूँगा कि इसके अंदर आए मेरे यूज़र 2 का, अच्छा यूज़र 2 का डॉट डॉट, अरे भाई क्वेश्चन मार्क किधर है, डॉट नेम। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखो इसका नेम आया क्या, तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, आया लोड हुआ, लेकिन इसका नेम नहीं दिखा। नेम क्यों नहीं दिखा भाई, यूज़र 2 का डॉट नेम प्रॉपर है ना, अच्छा यूज़र्स में से, अच्छा यूज़र 2 नहीं, यूज़र्स में से जो 2 नंबर का है उसका नेम, तो देखिएगा बस नहीं दिखा, कुल। अब H1 बाहर आते हैं, पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, उसमें बेसिकली क्या आएगा, यूज़र का ईमेल आएगा, मैं इसमें मैं बनाऊंगा, और ये क्या आएगा, यूज़र, यूज़र में से जो 2nd नंबर पे है उसका उसका डॉट ईमेल, ठीक। और थोड़ा सा हम स्टाइलिंग देंगे, स्टाइलिंग बनता है क्लास नेम, क्लास नेम, एंड इस क्लास नेम्स को क्या बोलेंगे हम, इसको डायरेक्टली बोलते हैं कि टेक्स्ट वाइट, सिंपल है सर, टेक्स्ट वाइट। 2 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट, 2 मिनट, मेरा मॉनिटर थोड़ा सा हिल गया, आई गेस वीडियो क्लियर है, राइट वीडियो क्लियर है, मुझे चेक करने दो, हाँ वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, मेरा मॉनिटर थोड़ा सा हिल गया था और उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बस दैट्स इट। टेक्स्ट वाइट कर दिया हमने, ओके कूल। अब पैराग्राफ टैग का हो गया, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो देखो कैसे दिख रहा है, मस्त ना, राइट। अब हमें क्या बाकी है, वो हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो हम करेंगे कुछ ऐसे, एक पैराग्राफ हो गया, अब हम एक डिव बनाएंगे। अब इस डिव में क्या होगा, इस डिव में होंगे कुछ बटन्स, ठीक है, डिव में होंगे बटन्स। अब डिव में कौन से बटन होंगे, एक तो मेरा क्लोज बटन होगा, बटन जो एक्स मार्क्स दिखाएगा, और एक होगा मेरा व्हाट लाइक बटन, ठीक है। अब दोनों भी बटन्स को हम इंपोर्ट करते हैं, एक जो बटन है वो आयो क्लोज है और दूसरा आयो हार्ड शार्प है, ठीक है, वो आपको रिएक्ट आउट डॉम से मिल जाए, रिएक्ट रिएक्ट आइकॉन से मिल जाएंगे, फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स, आई गेस मैंने इंस्टॉल किया है, रिएक्ट आइकॉन्स नहीं है इंस्टॉल, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी रिएक्ट आइकॉन्स। सो व्हाट विल आई डू, आई विल कम हियर एंड क्लोज दिस एंड आई विल टाइप npm i रिएक्ट आइकॉन्स, कूल। सो रिएक्ट आइकॉन से हमें बेसिकली रिएक्ट आइकॉन्स के स्लैश आयो से, ठीक है, और ये स्लैश io5 से है आई गेस इनके, भाई आ जा आ जा, तो हम यहाँ से तब तक लेते हैं कि कौन से इसके आइकॉन्स है, मैं बोल दूंगा io io rt हार्ट और शार्प, आई गेस शार्प है, शेप है मुझे पता नहीं, शार्प और कौन सा है, आयो और क्लोज, ठीक है, io5 और आयो क्लोज। मैं इसको ऐसे करता हूँ, इम्पोर्ट हो जाए भाई यार, फटाफट हो जाए इम्पोर्ट, आयो हार्ड शार्प और आयो क्लोज रहेगा, आयो io5 ही रहेगा और कुछ नहीं, चाहे दो आते क्या देखते हैं, ये इंस्टॉल हो दो आराम से इसको। अब बेसिकली देखो क्या है, वहाँ पे हम अगर डिज़ाइन देखते हैं तो उसके अंदर एक ग्रे चीज़ है, और ग्रे चीज़ के अंदर मेरा जो है ये एक्स है बनाया, मतलब क्लोज बटन बनाया, तो हम उसके हिसाब से इनको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिव को पहले क्लास नेम देता हूँ, क्योंकि ये डिव वो दोनों के स्टाइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इस डिव को बोलूँगा कि देखो तुम डिव, तुम फ्लेक्स हो जाओ, और आई गेस फ्लेक्स जस्टिफाई मैं बिटवीन ही दूंगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई बिटवीन हो जाए, और क्या होगा, आइटम्स आइटम्स आइटम सेंटर और मार्जिन टॉप से 2, ठीक है। अब क्लोज बटन और इसको लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिव बनाऊंगा, क्योंकि डिव मुझे ग्रे कलर का बनाना है, और उसके अंदर मैं ये आयो क्लोज दूंगा, ठीक है, ये आयो क्लोज एक कंपोनेंट की तरह मैं इसको दे दूंगा, और मैं इसको क्लास नेम दूंगा
लास्ट नेम क्या दूंगा मैं इसको, मैं बोलूँगा टेक्स्ट है ना टेक्स्ट, टेक्स्ट वो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट, वो रेड हो जाए 500, ठीक है, और रेड 500 के बाद उसका टेक्स्ट है वो 3XL हो जाए, एंड होवर होगा तो स्केल हो जाए कितना, 125 के आसपास, ठीक है। फिर क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, बोलूँगा ट्रांजिशन ऑल, ओके, ड्यूरेशन 300, ड्यूरेशन 300 गुड, ईज इन आउट, ओके कूल, एंड कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ओके, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा और, और बेसिकली मैं अगर ऐसे करूँगा और आपको दिखाता हूँ, और मैं ऐप को भी रन करूँगा, देखो अभी तक इसे दिखा रहा नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट्स, मैं इसको npm रन dev करूँगा, ओके कूल, ऐसा नहीं है, npm रन dev ऐसे है, तो ये क्या करेगा, इसको रन करेगा, होना तो चाहिए अभी डन रन, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि कैसे दिख रहा है एग्जैक्टली, ये पूजा यार कूल, तो प्रोफाइल पिच लोड हो रहा है, एंड हो जा भाई हो जा हो जा, कूल देखो ये ऐसा दिख रहा है, मैं इसको हो कर बता रहा हूँ, बट इसके पीछे वो कवरिंग नहीं है, तो वो कवरिंग भी हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे आऊँगा मैं इस बटन के पास, उसको क्लास नेम दूंगा, ठीक है, क्लास नेम थोड़ा अच्छा, ठीक है, अब क्लास नेम दूंगा, इसको बोलूँगा कि भाई तेरा बीजी ग्रे है, ठीक है, वो और वो कितना है 500 है, आई गेस 800 वुड बी फाइन, ठीक है 800 है बीजी ग्रे, 800 है, तू राउंडेड द फुल है, बिकॉज मुझे सर्कल चाहिए ना, मैं इसको कुछ ऐसे भी करूँगा ना, देखो टोटल इंटेलिजेंस कहाँ पर राइट, राउंडेड फुल, और ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि समझो वो एक्स अगर बाहर गया तो मुझे वो नहीं चाहिए कि वो डिव के बाहर, मैं उसको ओवरफ्लो हिडन दे दूंगा, ओके कूल, एक्स हिडन नहीं, हिडन दे दूंगा, और मैं बोलूँगा कि जब तेरा होवर करे ना तो बीजी रेड आ जाए 500, क्योंकि कलर जो है मेरा इसका आयो क्लोज लाइक बटन का, क्लोज बटन का वो 500 है, ठीक है, होवर का है, और पैडिंग दो की हो जाए तो बराबर दिखेगा थोड़ा सा ये, और ट्रांजिशन ऑल, ठीक है ट्रांजिशन ऑल दूंगा, ड्यूरेशन 300, ड्यूरेशन 300, ईज इन आउट और कर्सर पॉइंटर, ड्यूरेशन 300, ईज इन आउट और ड्यूरेशन 300, ईज इन आउट, ईज इन आउट, ईज इन आउट, और क्या बोलूँगा मैं, सिंपली कर्स, ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, सो देखो ये कितना मस्त दिख रहा है, ठीक है, लेकिन रेड होने के बाद मेरा टेक्स्ट क्यों नहीं रेड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको इतना बोलूँगा कि जब ये होवर हो ना, ये होवर, तो इसका टेक्स्ट हो जाए वाइट, तो ये अच्छा दिखेगा, होवर टेक्स्ट वाइट, ओके कूल, टेक्स्ट हो जाए वाइट, अब भाई भाई देखो बात क्या है, WHIT, बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा होर करूँ ना तो पीछे वाला जो है वो रेड हो जाए और ये सर्कल मेरा वाइट हो जाए, लेकिन होवर इज अप HOVE, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, अब देखो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मस्त दिख रहा है, ठीक है होल कितना मस्त दिख रहा है, एक्चुअली मस्त दिख रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा कंप्यूटर स्लो हुआ रहेगा, कंप्यूटर स्लो की वजह से वो थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन थोड़ा हिला हुआ दिख रहा है, बट नथिंग ग्रेट, नथिंग ग्रेट, ठीक है अच्छा दिख रहा है, अब मैं कूल, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड और जो सेम चीज़ है लाइक इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है इस डिव को कॉपी कर देता हूँ, इसका सिर्फ नाम चेंज करता हूँ टू आयो हार्ट शार्प, जो नाम था इसका हार्ट शार्प, सजेशंस आ जा आने के पहले हम कर लेंगे, और ये टेक्स्ट ब्लू 500, तो मैं इन दोनों को ब्लू 500 दूंगा, देखो इन दोनों को मैं ब्लू 500 दूंगा, ब्लू 500 दूंगा, एंड रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी सेम, और देखो मैं इसको करता हूँ कूल, ये मस्त दिख रहा है, ये मस्त दिख रहा है, बस अब और हमें क्या चाहिए, अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए,
अब हम देखते हैं कि ये है क्या। अब मैं बेसिकली देखो अभी क्या होगा, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब बात ये होगी, मैं चाहूँगा कि जब भी मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ और मैं उसको देखता हूँ कि मोबाइल डिवाइस में कैसे दिख रहा हो, तो मोबाइल डिवाइस में अच्छा दिख रहा है। हाँ, मोबाइल डिवाइस में अच्छा दिख रहा है। मैं बेसिकली इतना चाहता हूँ कि जो जब भी इसके ऊपर लाइक करे तो नेक्स्ट प्रोफाइल आए, डिसलाइक करे तो भी ये डिसलाइक हो जाए और दूसरी प्रोफाइल आए, ठीक है, वही, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल यही है कि ये डिसलाइक लाइक करे, हमें नेक्स्ट प्रोफाइल ही चाहिए और यही है। चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर और डमी 4-5 बनाई है, मुझे पता है। अब हमारे पास दो मेथड्स होंगे, एक ऐड टू फेवरेट और ऐड टू डिसलाइक, तो चलो दोनों भी बनाते हैं और उनका लॉजिक भी पीछे लिखते हैं। अब मैं गेट यूजर्स ऐसा है, ठीक है, कॉन्स्ट ऐड टू फेव, ठीक है, ऐड टू फेव, इसको कैसे एरो फेव, ये फैट एरो फंक्शन होगा और लेकिन ये एसिंक होगा बिकॉज उसका रिक्वेस्ट है ना बैकएंड को जाएगा, तो मैं एसिंक कर देता हूँ उसको, ठीक है। और मैं क्या बोलूँगा कि कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। अभी एक्सियोस इसके अंदर है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि हमने गेट यूजर्स कॉल किया था, आई गेस, हाँ गेट, तो एक्सियोस इसके अंदर है। और मैं इसके ऊपर पुट रिक्वेस्ट मारूंगा और पुट रिक्वेस्ट कहाँ पे होगी मेरी, HTTP, ठीक है, http://localhost:5000/api/add-to-fav, गुड। लेकिन ऐड टू फेव के साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी आईडी को पुट करना है, तो मैं वो भी करूँगा और इनफैक्ट मैं इस फंक्शन में आईडी लूँगा, ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि कौन से यूज़र की आईडी मुझे ऐड टू फेव करनी है, मतलब कौन सा यूज़र है वो जिसको मुझे फेवरेट में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके इतना बताता हूँ कि प्लस आईडी, ठीक है, तो प्लस आईडी करने से क्या होगा कि मेरे भाई ये जो चीज़ है इसके आगे ये आईडी ऐड हो जाएगी। यार इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बैकटिक्स लगा के उसके अंदर डॉलर वगैरह लगा के वो यूज़ कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट डेटा, ठीक है, इफ डेटा डॉट सक्सेस इज ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, अब ये ट्रू रही तब क्या करो, तब तुम टोस्ट डॉट सक्सेस दिखाओ और डेटा डॉट मैसेज दिखाओ, मैसेज, कुल डेटा डॉट मैसेज। अब ये बता रहा है टोस्ट क्या है, अब टोस्ट मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है, कुल। अब ये मेरा ऐड टू फेवरेट वाला जो चीज़ है वो है, और अगर एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, टोस्ट डॉट एरर कर दो डेटा डॉट मैसेज, डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि वैसे लॉग इन नहीं है फिर भी इस यूज़र पे आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात, कोई बात नहीं, चलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ तो करूँगा देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोटेक्टेड राउट से ऐड नहीं किया ना, इसके लिए ये सब आपको दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि देखो चैट्स वगैरह भी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसको लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वो लॉग इन है तो ही ऐड टू फेवरेट्स कर सकता है ना। मैं लॉग इन कर लेता हूँ और मेरा क्या था, test1@test.com, ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 करूँगा और आई जस्ट लॉग इन। टेस्टर था क्या, tester@test.com था, यस, और टेस्टर का ये इमेज है। अब देखो ये इमेज हमने देखा हमारे एरे में फर्स्ट पे, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स पे वो है, ठीक है, ये इमेज अगर मैं लॉक करूँ तो, लेकिन अभी ये क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये मेरी इमेज है इसलिए नहीं दिखी, और उसको छोड़ के बाकी सब इसको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या लिखते हैं, इसका बैक एंड राउट लिखते हैं बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, एंड बाद में इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको ना, इस फंक्शन को कॉल करते, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अभी अलग तरीके से देखते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे देखता बोलता हूँ कि कॉन्स्ट करंट इंडेक्स और सेट
करंट इंडेक्स, और बाय डिफॉल्ट ये जो करंट इंडेक्स है वो जीरो होगा। अब बात देखो क्या है, जब मैं लाइक करूंगा तब मैं क्या चाहता हूँ कि एरे में से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो दिखे, और मैं डिसलाइक करूंगा तो क्या हो जाए, वो तो एलिमेंट डिसलाइक पे ऐड हो जाए बट मुझे नेक्स्ट वाला दिखे, ठीक है। ये तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे एरे में शिफ्ट करना है, लाइक एरे होता है ऐसे दो तीन, तो मैं चाहता हूँ कि इसको लाइक करूँ या डिसलाइक करूँ आई डोंट केयर, बट मैं आगे शिफ्ट कर पाऊँ, तो इंडेक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर बढ़ा रहा हूँ। तो डैट लॉजिक हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा। सो हम क्या बोलते, देखो हमने क्या किया, हमने बेसिकली देखो क्या किया, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट बनाया, बट ऐड टू फेवरेट होने के बाद क्या, ये वहीं पे रुकेगा, इसने नेक्स्ट प्रोफाइल का काम नहीं किया। तो हम क्या बोलते, कॉन्स्ट नेक्स्ट प्रोफाइल करके फंक्शन बनाते हैं, और ये एसिंक फंक्शन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाने वाला, जो भी होने वाला है क्लाइंट साइड पे होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉजिक क्या लिखेंगे, मैं बोलूँगा इफ नेक्स्ट प्रोफाइल का लॉजिक बताता हूँ, इफ करंट यूज़र इंडेक्स, कि अगर मेरा जो करंट यूज़र इंडेक्स है वो लेसर देन यूजर्स डॉट लेंथ है, ठीक है, और उसका माइनस वन, मतलब यूजर्स की जितनी भी लेंथ है उसका माइनस वन बोलूँगा तो मुझे एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। तो उतना एलिमेंट्स को मैप करो। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम समझो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो बात क्या होती कि अगर हम आगे आगे भी करते हैं ना, समझो मेरे एरे में डेटा ख़त्म हो गया, मेरे पास यूजर्स बचे नहीं है, फिर भी वो एक एम्प्टी स्क्रीन्स आगे दिखाता, ठीक है। तो हम इससे बचने के लिए ये कंडीशन लगा रहे, और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सेट करंट यूज़र इंडेक्स टू, जो भी करंट इंडेक्स है मेरे पास, करंट यूज़र इंडेक्स जो भी है प्लस वन, बेसिकली आगे कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट सिंपल। इसको आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें से ये निकाल दोगे, ठीक है, ये या फिर ये रखोगे, ठीक है, मैं आपको देता हूँ, ये रखोगे, इफ़ का चीज़ निकाल दोगे, ठीक है, इसको निकाल दोगे एंड इसको निकाल दोगे, और सिंपली यहाँ पे क्या लगाओगे, एंड लगाओगे, ठीक है। और मैं चाहिए तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ, तो कैसे ये एक लाइनर का बन जाएगा, दैट्स इट। अब एक्चुअल में ये एक लाइनर का कोड है, वन लाइनर कोड, और मेरा कोड क्या बोल रहा है, देखो मेरा कोड क्या बोल रहा है कि अगर मेरी करंट यूज़र की जो इंडेक्स है, ओके, और मैं कुछ ये ऐसे करता हूँ, ठीक है, अगर मेरी करंट यूज़र की इंडेक्स है, करंट यूज़र इंडेक्स वो लेसर देन एरे में जितने भी यूज़र्स की लेंथ है माइनस वन है, ठीक है, तो क्या करो, सेट करंट इंडेक्स कर दो आगे का बात, ठीक है, बस ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते, कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मुझे डेटा डॉट सक्सेस का मैसेज आए, तब बहुत सिंपली क्या कर दो, नेक्स्ट प्रोफाइल वाला फंक्शन कॉल कर दो, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम फेवरेट भी करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट अल्ट और डाउन दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये, और हम इसको क्या बोलेंगे कि ऐड टू डिस्क, यहाँ पे भी मैं ऐड टू डिस्क करूँगा, ठीक है, और आईडी तो ऐसी आएगी, फिर जब अगर सक्सेस और मैसेज, मैं आपको बोला था कि वो सक्सेस का मैसेज आ रहा है डिसलाइक वाला, तो हम इसको यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है, और इसको नेक्स्ट प्रोफाइल तो हो जाएगा, अगर मैसेज ट्रू आया तो नेक्स्ट प्रोफाइल होगा, और एल्स ये होगा। अब ऐड टू ये सब कब कॉल होगा, जब मेरा ये है, ये हम कॉल का देखते हैं, लेकिन अब हम क्या पे थोड़ा सा ना रेंडरिंग करते हैं, कैसे रेंडरिंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे फंक्शंस बैकग्राउंड में बताने दो। बैकग्राउंड में बताने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं पहले चेक करूँगा कि मेरा OBS वर्क कर रहा है क्या, मुझे अभी डर लग रहा है क्योंकि बीच में ही रुक जाता है वो OBS, ठीक है। सर्वर के पास आएंगे और कंट्रोलर्स में हम यूज़र कंट्रोलर के पास आएंगे, ठीक है। अब यूज़र कंट्रोलर में मैं ऐड टू डिस्क एंड रिमूव फ्रॉम डिस्क करूँगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज इसमें अभी जो मैं लॉजिक बताऊँगा ना, क्योंकि देखो अभी क्या है, मेरे अभी अगर देखो मैं फेवरेट्स में ऐड करने का सोचूँ तो मैं सिर्फ आईडी ऐड करूँगा, ठीक है,
याद, तो वो कैसे ऐड होती है वो आपको देखनी ज़रूरी है बॉल, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टू फेवरेट बनाता हूँ, और ये एसिंक फंक्शन है, ठीक है, बात सुनो। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट माई आई डी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो मैं ऐसे कॉन्स्ट सी ओ कॉन्स्ट माई आई डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आई डी। अब रिक्वेस्ट डॉट आई डी से क्यों, क्योंकि मैं बीच में एक वेरीफिकेशन टोकन लगाऊंगा, वेरीफाई टोकन जो मिडलवेयर है वो अप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ तभी जाके मैं ऐड टू फेवरेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये बात है। तो हम वो रिक्वेस्ट और आईडी से मेरा आईडी, क्योंकि हम लोग बेसिकली टोकन डिकोड करके क्या कर रहे हैं, मेरी आईडी ग्रैप कर रहे हैं, ओके। सो मैं उस आईडी को हेल्प करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र की आईडी लूँगा जिसको मुझे ऐड करना है। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट इस आईडी को ले लो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैरम्स से भी एक आईडी ले रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, मेरी यूज़र की आईडी है, और मतलब कौन सी यूज़र की आईडी, जिस यूज़र को मैं ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ उसकी आईडी, ऐड करना चाहता हूँ उसकी आईडी। और माई आईडी क्या है, वो आईडी ऐसी है जो हम टोकन से ग्रैप कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाता हूँ फटाक से, और नहीं लग रहा है क्या, मैं ट्राई कैच उससे अच्छा लिख देता हूँ, ट्राई एंड कैच लगाता हूँ, और CATCH, और एरर को कैच करेंगे, और एरर को कैच करके हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रेस डॉट स्टेटस RETURN रेस डॉट स्टेटस पार्सल ऑफ जेसन, ये ठीक है, कुल। अब ट्राई क्या करेंगे, अब बोलेंगे लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड, फाइंड एक काम करें, फाइंड बाय आई डी एंड अपडेट वाला मेथड लगाते हैं, एंड अपडेट, एंड अपडेट। अब हम क्या करें, अपडेट क्या करेंगे, हम अपडेट क्या करेंगे कि फाइंड, पहले देखो फाइंड बाय आई डी एंड अपडेट में क्या होता है, पहले हम बताएंगे कि इस आई डी को फाइंड करो, कौन से, ये आई डी, ठीक है, माई आई डी, क्योंकि मुझे मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपडेट करना है, ठीक है, मेरा जो मॉडल है, तो इस चीज़ को फाइंड करो, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये होनी चाहिए, मतलब जो मेरी आईडी है उसकी वैल्यू ये आईडी होनी चाहिए, अगर ये इसको ग्रैप कर रहा है इसका मतलब क्या, वो मेरी आईडी है, ठीक है। और उसके आगे क्या होता है कि हमने फाइंड बाय आईडी तो कर लिया, लेकिन हमें क्या बेसिकली करना है, हमें एड पुश करना है, पुश क्यों करना है, क्योंकि एरे में पुश मेथड होता है, तो वैसे ही ये पुश करके एक सेलेक्टर है वो यूज़ करना है, और हमें क्या बोलना है कि जो भी फेवरेट्स है मेरे, फेवरेट्स है उसमें मुझे सिर्फ ये आईडी पुश करके दो। अब ये आईडी कौन सी है, ये आईडी वो यूज़र की है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब फेवरेट्स क्या है, मेरा एक एरे है जिसमें मैं मोंगूस की आईडी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, फेवरेट्स में आईडी, ओके कूल, ये कर रहा हूँ। एंड देन ये सब होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इफ़ अगर मेरा यूज़र नहीं मिला, ठीक है, ये फिर भी मैं एक वैलिडेशन लगाता हूँ, क्योंकि यूजुअली एरर्स कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, तो हमें सबको टैकल करना पड़ेगा। अब अगर यूज़र नहीं है तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न रेस डॉट स्टेटस करो, स्टेटस करो 500, ओके ओके ओके, 2 मिनट, 500 क्यों आएगा, 404 आएगा, डॉट जेसन आएगा, एंड मैं बोलूँगा सक्सेस फॉल्स, और मैसेज आएगा फॉल्स, और मैसेज आएगा कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, सिंपल। अब यूज़र मिला तो क्या करो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस करो, सिंपली रिटर्न करो रेस डॉट स्टेटस, और मैं बोलूँगा रेस डॉट स्टेटस क्या होगा, ओके स्टेटस तो मेरा 500 होगा, और डॉट जेसन होगा बेसिकली, डॉट जेसन, जेसन सक्सेस ट्रू होगा, और मैसेज क्या होगा मेरा, एड डेड टू MESAG, मैसेज, मसाज नहीं है वो मैसेज है, ठीक है, एड टू फेवरेट्स FAVOURITES, कूल कूल, इट्स रियली कूल। अब सेम फंक्शन हम नीचे करेंगे कॉपी, बाय द वे आईडी माय आईडी बराबर चल रहा है, बराबर, इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, कौन ये सेम फंक्शन कॉपी करेंगे नीचे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ऐड टू फेवरेट है वो ऐड टू डिस बन जाएगा, ऐड टू डिस बन जाएगा, बाकी चीज़ क्या होगी, मैं माई आईडी को ग्रैप करूँगा, मैं आईडी में रिक्वेस्ट और पेरेंट्स करूँगा, यूज़र का फाइंड एंड अपडेट करूँगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ फेवरेट्स की जगह पे क्या होगा, मेरा डिसलाइक्ड ऐड हो जाएगा, DIS AED डिसलाइक्ड, अब उसके अंदर पुश करेगा या आईडी को डिसलाइक्ड को, अगर यूज़र नहीं मिला तो ये भेज दो, और अगर यूज़र मिला तो उसको इतना बोल दो कि एडेड टू डिसलाइक्ड, एडेड टू डिसलाइक्ड, कूल, हो गया, इतना ही काम था। अब मैं एडेड टू डिस और एडेड टू फेव वाला करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे।
ऑल्सो हम ऐड टू फेव भी एक्सपोर्ट करेंगे। कूल cool. अब हम राउट्स के पास आएंगे, ठीक है। अब राउट्स में हमें उन राउट्स को रजिस्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र राउट्स के पास आएंगे, गेट यूजर्स हो गया। अब हमें सिंपल राउटर डॉट पुट है, क्योंकि ये एडिट रिक्वेस्ट है तो पुट रहेगा, और मैं बोलूँगा स्लैश ऐड टू फेव कर दो भाई, और फेव के स्लैश स्लैश एक आईडी दे दो। तो इसकी पास मतलब ये कौन सी डायनामिक आईडी है जो हम ग्रैब कर रहे हैं। उसके बाद वेरीफाई टोकन हो जाए, वेरीफाई टोकन करो, फाई टोकन, अरे यार ये वेरीफाई टोकन। फिर उसके बाद जो भी इस राउट पे हिट करेगा तो वेरीफाई टोकन होगा, और टोकन कौन सा होगा, टोकन तो हमारे कुकीज से, जो हम जब रिक्वेस्ट मारेंगे और भेजेंगे तो उस कुकीज से होगा टोकन। बात वेरीफाई टोकन हो जाए, और क्या करो बेसिकली ये होने के बाद ऐड टू फेवरेट वाली चीज़ रन कर दो। अब ऐड टू फेवरेट क्या है मुझे बताना पड़ेगा इसको, तो गेट यूजर्स में मैं क्या करूँगा, ऐड टू एफ ए वी, ऐड टू फेवरेट एंड ऐड टू डिसलाइक्स पहले ही बुला लूँगा, ताकि ये सजेशंस में ऐड टू डिव नहीं, ऐड टू डिस डिस, ठीक है अभी बुला रहा, ठीक है बस कुल। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको रेप्लीकेट करूँगा एक बार, और मैं यहाँ पे ऐड टू ये दोनों को कट 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 डिस, इतना इतना सिंपल है। अब ऐड टू फेवरेट ऐड टू डिसलाइक जो है मेरे राउट्स बन गए हैं, एंड आई एम क्या, आई एम कुछ नहीं, मैं इसके ऊपर काम करूँगा, देखो सिंपली। अब बात क्या होती है, मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे ना आप रिक्वेस्ट मारोगे ना तो अभी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि देखो मैं ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ये चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट पुट रिक्वेस्ट में ना सेकेंड चीज़ लगता है डेटा, तो डेटा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है नल। लेकिन थर्ड चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्यों है भाई, क्योंकि यार इस टाइम पे हमारा ऑथेंटिकेशन का मेथड अलग है, हमारे रिक्वेस्ट में ही हम टोकन भेज रहे हैं, ठीक है। तो टोकन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे भेजेंगे हेडर्स, क्योंकि रिक्वेस्ट के पास, क्योंकि हम कुकीज़ से टोकन नहीं भेज रहे ना, कुकीज़ से पहले हम क्या करते थे, डिकोड करते थे टोकन को, बट हमारे पास इस टाइम पे कुकीज़ नहीं आ रही जा रही है, और ये यूज़र के पास टोकन नहीं रहेगा, हमारे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, वो लोकल एसटीओ स्टोरेज डॉट गेट आइटम है, गेट आइटम क्या है टोकन वो। अब एक बार क्या करते हैं हम, देखो नैवार में हम एक चीज़ कर रहे थे सिंपल बेसिकली। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम कंपोनेंट्स में आके इस नैवार को अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो आप देखोगे कंपोनेंट्स में आके नया बार, देखो नया बार में मैंने चेकआउट रिक्वेस्ट बना। अब चेकआउट में मैं क्या कर रहा था, देखो मैं बेरर टोकन से ले रहा था लोकल स्टोरेज और गेट आइटम टोकन, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, क्योंकि तभी जाके मेरे चेकआउट वाले रिक्वेस्ट में मेरी कुकी ऐड हो रही थी, या फिर मेरा जे टोकन ऐड हो रहा था, कुकी नहीं टोकन ऐड हो रहा था। तो अभी हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, एंड सेम टू सेम चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको एड टू डिसलाइक वगैरह ये कर दूँ यहाँ पे, तो ये पूरा एक मेरा यू आर एल वाला बन गया है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ मुझे लगने वाली है डेटा, तो मेरे पास डेटा कोई नहीं है, तो नल टाइप करूँगा इसमें, मैं दूंगा हेडर्स कॉन्फ़िगरेशन में हेडर्स, देखो ऐसा, और यहाँ पे मैं दूंगा ऑथोराइजेशन, कूल ऑथोराइजेशन कंट्रोल स्पेस दबाओ, और आपको ऐसे सजेशन आएगा कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे, अगर ऐसा आया तो समझ जाने का कि हाँ ये चीज़ इसमें एग्जिस्ट करती है, और आपके पास अगर गिटहब को पायलट है तो आप सिंपली नेक्स्ट करो। अब देखो ऐड टू फेवरेट और ऐड टू फेवरेट, अब यहाँ पे बात क्या होती है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। अब क्या चेंज करने वाले हैं मेरे भाई, वो देखो मैं बताऊँगा कि इस यूज़र से, अभी देखो ये मैं क्या है, ये जो चीज़ है वो क्या है, वो चीज़ डायनामिक नहीं है, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि एरे में से इस नंबर के यूज़र को बताओ। लेकिन अभी क्योंकि हमने ऐड टू डिसलाइक और ऐड टू ये किया, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि अभी बस हमारे पास अभी करंट इंडेक्स है, बराबर करंट इंडेक्स है, तो मेरे करंट इंडेक्स की वैल्यू कैसे भी हो सकती है, ठीक है। सो सिंपल क्या कर दो, करंट यूज़र इंडेक्स, तो यूज़र्स यूज़र्स में से मेरे करंट यूज़र इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो दिखाओ। तो समझो अभी मेरे पास 0th इंडेक्स में मेरा खुद का प्रोफाइल है, ठीक है, अगर मैंने उसको डिसलाइक, या फिर कोई भी प्रोफाइल है उसको मैंने डिसलाइक कर दिया, ठीक है, सर्वर से ओके मुझे आया 200 स्टेटस, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोफाइल कर रहा हूँ, तो क्या होगा,
यूजर्स में कि आगे जो करंट इंडेक्स यूज़र इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो मुझे अभी किसकी प्रोफाइल दिखेगी, जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसकी, ठीक है। तो सेम थिंग, करंट यूज़र इंडेक्स मुझे सब जगह पे कॉपी करना है, इसको इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, इसको पेस्ट करना है। कूल, अब और कोई है नहीं। अब बात सुनो क्या है, अभी आयो क्लोज और ये आयो ये बटन देख रहे हो, अभी हमें क्या है यहाँ पे लॉजिक लगाना है। मैं जब भी क्लोज करूँगा तो क्या होगा, ऐड टू डिसलाइक हो जाए, तो मैं बोलूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन रन हो जाए, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन रन हो जाए, और ऐड ऐड टू डिस जो है, ऐड टू डिस, इसको करो कॉल। अब इस फंक्शन में क्या जाएगा, ये जो मेरा यूजर्स एरे में से जो करंट इंडेक्स पे, जो करंट यूज़र इंडेक्स पे, एक्चुअली करंट यूज़र इंडेक्स पे जो भी बंदा है, ठीक है, ठीक है, और ये नलेबल जो भी है उसकी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, क्योंकि मुझे उस बंदे को ऐड करना है तो मुझे उसकी आईडी देनी पड़ेगी। एंड सेम हियर, सेम सेम हियर, अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक करे, क्लिक करे, तब क्या हो, तब भाई इतना सब चीज़ हो कि एक कॉल बैक फंक्शन रन हो जाए, एंड कौन सा है, ऐड टू फेव है ना, राइट, ये ऐड टू फेव है, उसमें क्या हो जाए, यूजर्स एरे में से जो करंट यूज़र इंडेक्स पे है, करंट यूज़र इंडेक्स पे है, ओके, जो भी बंदा है नलेबल हो सकता है, और उसकी वैल्यू, ओके, आईडी नहीं, आईडी। तो अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, और एक बार इस प्रोफाइल को रिफ्रेश करूं, अब पहली बार मेरा ये प्रोफाइल ऐसा क्यों आ रहा कि अभी मेरा करंट इंडेक्स 0 है, ठीक है। अब मेरा करंट इंडेक्स क्या है, मेरा करंट इंडेक्स है 0, तो 0th इंडेक्स पे जो भी प्रोफाइल रहेगी वो दिखेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। और लॉग डेटा में इसको रखता हूँ, ठीक है। देखो पहला नंबर कौन सा, टेस्टर, और टेस्टर कौन सा है, हमारा है, ठीक है, ये चीज़ से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करंट यूज़र इंडेक्स की वैल्यू 1 कर देता हूँ, सिंपली चीज़ है। तो अब कैसा होगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये कूल। और यूजुअली आप अगर कर रहे हो ना, इसको डिप्लॉय कर रहे हो, तो इसको 0 ही कर दो, बिकॉज ऐसा नहीं, क्योंकि बाद में अगर एक बार इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो मेरा ये रेंडरिंग वाला भी काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है ये प्रॉपरली शायद से काम नहीं कर रहा था, या फिर ये टाइम ले रहा था, फिर विल्डर यूजर्स। देखो अगर मेरी प्रोफाइल मुझे दिख रही है, ठीक है, बात सुन, तो मैं अगर सिर्फ रिफ्रेश करूँगा ना, तो वो प्रोफाइल जाएगी, क्योंकि तब जाके वो फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अभी तक हमने डिसलाइक वाले में अगर कुछ किया नहीं है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यूज़र और अंडरस्कोर आईडी, यूज़र और, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे ना क्या करो, इसको 0 से 1 कर दो, बात सिंपल है। और इन केस पॉसिबल हम थोड़ा सा ना इस फंक्शन को देख लेते हैं। मैंने फ़िल्टर किया, ठीक है, डेटा फ़िल्टर किया, मैंने यूज़र को ग्रैब किया। अब इस यूज़र में से मुझे यूज़र अंडरस्कोर आईडी नॉट ट्रिपल इक्वल डबल इक्वल टू यूज़र की अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यूज़र की अंडरस्कोर आईडी, यूज़र मेरा यूज़र है, अच्छा वो यूज़र आ रहा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यूज़र डॉट डिसलाइक्ड, ठीक है, और डिसलाइक डॉट इंक्लूड्स यूज़र डॉट आईडी किया मैंने, ठीक है, प्रॉपर है, मतलब कोड मेरा इतना कुछ इश्यू दे रहा नहीं है, मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब बात देखो क्या है, अब इतना कि अगर मैं इस प्रोफाइल को लाइक करूँ तो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, व्हाट द एरर इज, नॉट फाउंड ए पी आई एड टू फेव, और उसके आगे, अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं दिया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, एंड द गलती इज़ कि मेरे भाई ऐड टू फेवरेट के बाद मुझे स्लैश देना था, ठीक है, ऐड टू फेवरेट के बाद मुझे स्लैश देना था, और यहाँ पे भी मुझे ऐड टू डिस्क के बाद स्लैश, तो क्या होता है, ये डिस्क के बाद ही ये आईडी को जो है कॉन्कैटिनेट करता था, ठीक है, कुछ ऐसे, देखो कुछ ऐसे, देखो देखो इसने कैसे कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को लाइक करूँगा, देखो एडेड टू फेवरेट्स, मुझे हैकर को भी एडेड टू फेवरेट्स करना है, ठीक है, न्यू टेस्टर जो है ना, ये फालतू है, मैं इसको ऐड टू डिसलाइक करूँगा, फिर बाद में मेरा डीओट होना आया, ठीक है, मतलब क्या अभी मेरे पास है। और इस टाइम पे इफ़ आई चेक कि
क्या है मेरे भाई, अगर इस टाइम पे मैं इफ़ आई चेक कि मेरे एरे में क्या है, तो मैं एरे में अगर दिखाऊँ तो मेरा टेस्टर प्रोफाइल है। अब मेरे पास, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा क्योंकि गेट यूजर्स हुआ नहीं है ना, तो अब मैं वापस इसको एक बार रिफ्रेश करूँ, ठीक है, या फिर मैं अगर दूसरे स्क्रीन पर जाऊँगा रिफ्रेश हो ही जाएगा। अब इस टाइम पर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो क्या है मेरी बात, पहला वाला इंडेक्स पर मेरा टेस्टर है, ठीक है, टेस्टर मेरी प्रोफाइल है। अब टेस्टर पर अगर मैं जाऊँ, यू कैन सी फेवरेट्स में मेरे दो आईडीज़ है, ठीक है, मेरे डिसलाइक में मेरे एक आईडीज़ है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि हमने ये चीज़ इंटीग्रेट की है, ये फंक्शन, हमें डिसलाइक्ड वाला या फिर लाइक्ड वाला बंदा वापस से कभी दिखेगा नहीं। ओके कूल, अब हमारे पास एक फंक्शन बचता है गेट फ्रॉम फेवरेट्स, ठीक है, ये हमारा फेवरेट सेक्शन है। अब हम क्या, बेसिकली मेरा ना ये अभी सेक्शन बन गया, अब मेरा बचा क्या है, मुझे ना एक चैट सेक्शन बचाना बनाना बाकी है, वो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ बनानी पड़ेगी, मुझे बेसिकली मेरे फेवरेट से मुझे यूज़र ग्रैब करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल सा पहले एक काम करता हूँ, मैं गेट फ्रॉम फेवरेट्स वाला एक क्राउड बना देता हूँ यूज़र कंट्रोलर में, ठीक है, क्योंकि मुझे फेवरेट से यूज़र को ग्रैब करना है, क्योंकि मैंने चैट स्क्रीन पे आपको दिखाया कि जितने भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं वो सब दिख रहे हैं। सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाऊंगा, और यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज अब मैं उस आईडी के थ्रू, क्योंकि मेरे कलेक्शन में, मेरे फेवरेट्स में या फिर डिसलाइक में क्या है, उनकी सिर्फ आईडीज़ है। अब मुझे उन आईडीज़ के थ्रू उनका सब डेटा पॉपुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे आज हम वो देखते हैं। कॉन्स्ट गेट फ्रॉम फेव, मतलब क्या, गेट फ्रॉम फेवरेट्स करके ये है, ये क्या है, एक एसिंक है, ठीक है, एसिंक फंक्शन है, और इसके पास रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है। कूल, यस, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माय आईडी ग्रैब करेंगे रिक्वेस्ट डॉट आईडी से, और एक ट्राई कैच लगाएंगे, एक ट्राई और एक कैच, और जिसमें एरर हम ग्रैब कर रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस कर रहे हैं, एंड 500 क्योंकि ये है सक्सेस फॉल्स है ये, और मैसेज इज यूज़र, सॉरी, एरर डॉट मैसेज। कूल, लेट मी चेक, ओ कूल कूल, एरर डॉट मैसेज, मैसेज क्या है मेरा, ये एरर डॉट मैसेज है, ठीक है, नथिंग ग्रेट। हम क्या करेंगे, देखो ट्राई क्या करना है, अभी क्या प्रॉब्लम है यार इसको, हाँ ये फुल स्टॉप ऐड हो गया इधर, इसलिए चलो अब हमें ट्राई क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़र ग्रैब करना है, कैसे, हम बोलेंगे फर्स्ट लेट यूज़र ओके इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, क्योंकि मेरे पास मेरी आईडी है तो मैं यूज़र को फाइंड करूँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं डॉट पॉपुलेट करूँगा, POPULATE, मैं पॉपुलेट क्या करूँगा, पॉपुलेट करूँगा मैं कुछ ऑब्जेक्ट। अब मैं डायरेक्टली अगर फेवरेट्स अगर पॉपुलेट करूँ तो फेवरेट्स में से जो भी है उसका वो सब पॉपुलेट हो जाएंगे, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि फेवरेट्स के अंदर मेरे यूज़र्स है और वो आईडी के थ्रू उनका सब डेटा आ जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए ना, मुझे उनकी भी तो सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा पाथ क्या है फेवरेट्स, मतलब मुझे कहाँ से ग्रैब करने हैं, फेवरेट्स से, FAVOURITES, ठीक है, फेवरेट्स, राइट, फेवरेट्स है बराबर, FAVOURITES बराबर, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ग्रैब करनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँगा कि सेलेक्ट करो जो भी फेवरेट्स है, जो भी उसके अंदर से डेटा है, उसके अंदर से सिर्फ सेलेक्ट करो क्या, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस नहीं है, प्रोफाइल और उनकी आईडी, नेम, एक्चुअली सुनो, नेम, ईमेल, फ़ोन आएगा, ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन आया बराबर, नेम, ईमेल, फ़ोन तो हमने डाला नहीं है वहाँ पे, तो हम ये कर सकते हैं, नेम, ईमेल आया, उसकी प्रोफाइल आई, नेम, ईमेल, प्रोफाइल और उसकी आईडी, नथिंग एल्स। कूल, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से इफ़ यूज़र नहीं है, ठीक है, इफ़ यूज़र्स नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई तेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा रिटर्न रेस डॉट STATUS और स्टेटस में बोलूँगा 404 डॉट JSON, ये यूज़र नॉट फाउंड, सिंपल, ज़्यादा कष्ट नहीं करना मुझे यहाँ पे,
और अगर मिलता है तो मैं बोलूँगा रेजन रेज और स्टेटस ये, और डेटा में क्या दूंगा, यूज़र में से यूज़र की डॉट फेवरेट्स, यूज़र डॉट फेवरेट्स दूंगा, और मैसेज दूंगा यूज़र फाउंड, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, जो भी यूज़र है उसका डॉट फेवरेट्स दे दूंगा, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है, सिर्फ यूज़र नहीं देना आपको, क्योंकि यूज़र का भी डेटा आएगा मुझे बेसिकली। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं दिया। अब मैं अगर समझो, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ना, मैं डेटा में अगर सिर्फ यूज़र दिया, ठीक है, बात समझो, मैं अगर सिर्फ यूज़र दिया और मैं यहाँ पे कलेक्शन पे आता हूँ मेरे, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ गेट फ्रॉम फेवरेट, सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं कलेक्शन बनाया था मैंने यहाँ पे कोडेड यूट्यूब में, लॉगिन एक रिक्वेस्ट मारता हूँ पहली बार। देखो मेरे पास टेस्टर वाले आईडी है, मैं लॉगिन मारता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, और कनेक्शन वॉज रिफ्यूज। अच्छा देखो मेरे पास एक टोकन है, उसमें टोकन को ग्रैप करूँगा, सिंपल सा टोकन को ग्रैप किया मैंने, और इस लॉगिन रिक्वेस्ट को मैं क्लोज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं गेट यूजर्स पे डालता हूँ, या फिर मैं क्या बनाता हूँ, एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ। नई रिक्वेस्ट क्या है, ये गेट रिक्वेस्ट है, और ये कहाँ पे जा रही है मेरी, HTTP डॉट डॉट लोकल होस्ट 5000 स्लैश गेट यूजर फ्रॉम फेवरेट्स, गेट यूजर कौन सा, गेट गेट फ्रॉम फेव, ठीक है, गेट फ्रॉम फेव है। और इन गेस आई गेस मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऑथेंटिकेशन टोकन में बैरर डालूंगा, ये बैरर टोकन डालूंगा। और अब मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसका राउट कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको सब चीज़ें करके बताता हूँ, गेट फ्रॉम फेव वाला राउट है, मैं सब बनाऊंगा, ठीक है, गेट फ्रॉम फेव वाला राउट है, और मैं राउट डॉट जेस में पहले इसका राउट बनाता हूँ, ठीक है। तो राउटर डॉट गेट करूँगा, राउटर डॉट गेट है स्लैश गेट फ्रॉम फेव, ठीक है। अब आईडी वीडी कुछ नहीं आएगा इसका, इसकी वेरीफाई टोकन करेगा, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स किसको दिखाऊंगा, जिसका टोकन वेरीफाई हो जाए उसको। अगर मैं आपका टोकन वेरीफाई कर रहा हूँ इसका मतलब क्या, और अगर आप सक्सेसफुली वेरीफाई हो रहे हैं मतलब क्या, मैं जिसको ढूंढ रहा था वो आप बंदे हो, ठीक है, मतलब आप ही हो। गेट फ्रॉम फेवरेट मैं इसको सिंपल सा बुलाता हूँ। अब देखो मेरी बात क्या है, अब मैंने बनाया, अब मैं अगर ये सर्वर स्टार्ट होने के बाद देखो कनेक्टेड टू डेटाबेस जैसे आया ना, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट मारूँ, देखो क्या आ रहा है, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी पॉपुलेट इज नॉट अ फंक्शन, फाइंड बाय आईडी पॉपुलेट, फाइंड बाय आईडी यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, 2 मिनट, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, फाइंड बाय आईडी मैंने किया यहाँ पे, ओके माय आईडी में क्या आया, रिक्वेस्ट डॉट आईडी से मैं माय आईडी, आईडी में माय आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि बराबर है। फिर व्हाट इज द इशू देन, डॉट पॉपुलेट डॉट पी, अच्छा पॉपुलेट लिखा है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही, एनी रिक्वेस्ट मैं ऐड करूँगा, देखो सिंपल सा इसमें मैं क्या बोलूँगा, मैं सेंड करता हूँ। अब देखो पूरा का पूरा ये एरे आ रहा है, देखो मेरा डिसलाइक डाल रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैंने, आप बोले कि भाई यहाँ पे तो तुमने सब बताया था कि ये नेम, ईमेल, प्रोफाइल और ये डालो, तो हाँ भाई आ रहा है ना वो चीज़, देखो क्या आ रहा है, मैंने फेवरेट्स में तो बोला था कि पॉपुलेट फेवरेट्स में से नेम, ईमेल, प्रोफाइल और आईडी, तो वही चीज़ आ रही है, लेकिन वो फेवरेट्स में से जितने भी डेटा है उसके, लेकिन बाकी का सब डेटा आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे क्लाइंट पे बाकी का डेटा जाए, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, देखो यहाँ पे डेटा कैसे है, ये पूरा का पूरा एक एरे है, उसमें से देखो डेटा है, और डेटा डॉट फेवरेट्स में इतना ही करूँगा, तो मुझे सिर्फ वो मिलेंगे। तो मैं अगर मैं करूँगा यहाँ पे डेटा यूज़र डॉट फेवरेट्स TS, एंड देन अगर एक बार ये रिस्टार्ट होने के, FAVO आ रहा है TS होने के बाद, अगर मैं इस टाइम पे अगर मैं रिचार्ज नहीं, अगर मैं रिस्टार्ट करूँ, देखो कनेक्शन रिफ्यूज बाय द सर्वर आया, क्योंकि ये अभी चालू नहीं हुआ। जैसे आई डू दिस, देखो फेवरेट्स में डेटा आ रहा है जितना आ रहा है, वो बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए बस। अब मेरे, मैं एज अ टेस्टर मैंने 2 चीज़ों को किया है, मैंने एक कोडर को किया, हैकर को किया है, बिकॉज हैकर जो मेरा क्रश का इंस्टा आईडी हैकर के देगा ना, ये बात है। यूज़र कंट्रोल में आए, ये काम कर रहा है, राउट्स कंप्लीट है, ठीक है, इंद्र डॉट जेएस कंप्लीट है, प्रोफाइल कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, अब मैं आता हूँ मेरे ब्यूटीफुल लोकेशन पे, वो है मेरे चैट्स, एंड चैट्स हम इंडेक्स और जेएस में बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं। देखो सर्वर का थोड़ा सा छोड़ो, और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पहले वो डिज़ाइन विज़ाइन कर लेता हूँ, देन हम चैट्स के ऊपर आते हैं बेसिकली, एंड देन प्रोटेक्टेड राउट्स पे ऐड करने हैं। बहुत चीज़ें, बहुत चीज़ें, सिर्फ ध्यान दो, पेजेस में चैट्स वाले पेज पे आए, कुल चैट्स वाले।
अब चैट्स वाले पेज पे अगर हम आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र में पहले बात तो एक चीज़ हो जाए कि मुझे गेट फ्रॉम फेवरेट वाला फंक्शन मिल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट गेट फ्रॉम फेव करूँगा, ओके। और ये क्या होगा, एक एसिंक फंक्शन होगा, ओके। गेट फ्रॉम फेव एसिंक फंक्शन होगा, एंड एसिंक फंक्शन होने के बाद मैं इसमें क्या बोलूँगा कि सिंपली भाई तू क्या कर, मैं ट्राई कैच में लगाऊंगा क्योंकि कुछ एरर आया तो सॉल्व हो जाए। एरर अगर कुछ आया तो मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और मैं बोलूँगा एरर बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, ठीक है। एरर फेचिंग फ्रेंड्स, और उसके बाद में एरर डालूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर बराबर आएगा। अरे चाहे तो ऐसे डालता हो तो थोड़ा सा और अच्छा जाए। अब बात क्या है कि अगर ट्राई ट्राई क्या करना है, ट्राई करना है भाई तो इतना ही कि कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू करना है तेरे को अवेट एक्जॉस्ट डॉट गेट करना है। अब कहाँ पे एपीआई स्लैश यूजर्स, नहीं ये ऐसा आप नेक्स्ट जेएस में दोगे तो चलता है लेकिन रिएक्ट में नहीं। तो हम बोलेंगे http स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश गेट फ्रॉम फेवरेट्स, अरे गेट फ्रॉम फैव, गेट फ्रॉम फैव, इतना ही है, ठीक है बस। और मुझे कुछ चीज़ डालने की नहीं है। हाँ एक चीज़ डालने की ज़रूरत है, वो है देखो मेरा गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट में पहले तो ये आएगा, और दूसरे गेट रिक्वेस्ट में यूज़र डेटा ज़्यादा नहीं है तो सेकेंड वाला डेटा नहीं रहेगा, डायरेक्ट कन्फिग्रेशन रहेगा। तो मेरा कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, हेडर्स रहेगा, और ये एक्स ऑथ टोकन नहीं रहेगा मेरा, ये क्या रहेगा मेरा ऑथोराइजेशन रहेगा, ठीक है। हेडर्स में ऑथोराइजेशन, देखो मैं देखता हूँ कुछ यहाँ पे सर, फेवरेट्स में हेडर्स है, ऑथोराइजेशन जेशन, और ये क्या बेसिकली ये एक मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी करता हूँ, एक कंट्रोल एक्स करता हूँ कट, मैकटिक्स में मैं डालूंगा क्या बी एर, और ये सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। अब रेस्पॉन्स एक्जियोस है अभी, हाँ एक्जियोस का सजेशन नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा, लेकिन मैं यूज़ करूँगा इम्पोर्ट एक्जियोस फ्रॉम फ्रॉम एक्जियोस, कूल डन। अब रेस्पॉन्स अभी सिंपल है कि अगर कॉन्स्ट, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा में से डेटा ग्रैब करना है तो मैं उसको डिस्ट्रक्चर करता हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि देखो मैं डॉट डेटा करने, देखो डेटा नाम का वेरिएबल में सब रेस्पॉन्स गैदर करूँगा, फिर डेटा डॉट डेटा करके वो एक्सेस करूँगा, तो इससे अच्छा मैं डेटा एक्स डायरेक्टली ये करता हूँ, होगा अवेट रेस डॉट डेटा। अभी तक तो आप इतना समझ गए होंगे। और मैं क्या करूँगा सेट, मैं काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पर स्टेट बनाता हूँ फ्रेंड और सेट फ्रेंड्स नाम का। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, क्योंकि ये इसी पेज पे रहेगा ना तो उसको ग्लोबल का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं इतना बोलूँगा कि कॉन्स्ट क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रेंड्स बनाता हूँ, फ्रेंड्स सेट फ्रेंड्स इज इक्वल टू यू स्टेट नथ, और एक एरे रहेगा। अब यू स्टेट को मुझे इम्पोर्ट करने की बहुत ज़रूरी है तो मैं ये यू इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि सेट एफ आर आई ANDS सेट फ्रेंड्स क्या कर दे डेटा, कूल। और जो भी डेटा आ रहा है ठीक है, अब मेरा जो भी डेटा आ रहा है मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि क्या मेरा फेवरेट्स आ रहा है। और मैं काम करूँ तो आपको दिखाई देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं डेटा करूँ सो यू कैन सी कि मेरे डेटा में क्या आ रहा है। और मैं चाहिए तो एक चैट पेज पर जाता हूँ, तो चैट पेज पर यू हु कॉल कर रहा है ना, देखो जैसे मैं चैट पेज पर गया कुछ कॉल हुआ और कुछ नहीं आया, डूड डूड कुछ रिक्वेस्ट तो जा रही है क्या, कनेक्टेड कनेक्टेड चैट्स पेज पे व्हाट्स हैपनिंग डूड व्हाट्स हैपनिंग, कंसोल डॉट लॉग डेटा कर रहा हूँ। अच्छा गेट फ्रॉम फेव फंक्शन बना के रखा, कौन कौन करेगा, तो मैं उसको क्या करूँगा यूज़ इफेक्ट में कॉल करता हूँ। यूज़ इफेक्ट में कॉल क्यों, क्योंकि यार यूज़ इफेक्ट हुक तब रन होता है जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है। मैं यूज़ इफेक्ट को बनाता हूँ, एक डिपेंडेंसी एरे देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ गेट फ्रॉम फैव दैट्स इट नाउ, और अभी भी चलेगा नहीं क्योंकि एरर है यहाँ पे, मैंने कॉमा नहीं डाला, कूल। अब अगर मैं देखूँगा यहाँ पे तो देखो मेरे इसमें आ रहा है, अब ये दो दो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज
रिएक्ट में यूज स्ट्रिक्ट ऑन है, तो यूज स्ट्रिक्ट जब ऑन होता है तब दो दो ही बार कॉल होता है। देखो आया पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ईमेल, नेम, प्रोफाइल और आईडी आ रही है, गुड। बस यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल से एक यहाँ पे ऐसा एक चैट वाला बनाएंगे, यहाँ पे चैट वाला बनाएंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स वाला बनाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। और इसके आगे भी काम करेंगे फटाफट, क्या करते हैं हम आते हैं भाई, करते हैं ठीक है। हम चैट्स पे हम अभी से पहले तो इसको मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लास नेम देना चाहता हूँ, क्लास नेम, और फ्लेक्स दूंगा, और फ्लेक्स कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, फ्लेक्स कॉल होगा, लेकिन जब स्मॉल डिवाइसेस से बड़े पे हो तो फ्लेक्स रो होगा, ठीक है, फ्लेक्स रो होगा। और जस्टिफाई इवनली होगा, ओके। आइटम सेंटर होगा, ठीक है। मैं एक बार मेरा कैमरा देखता हूँ, क्योंकि मेरा चार्जिंग लो है और मुझे लगता है कि मेरा कैमरा शट डाउन हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो अगर कैमरा शट डाउन हुआ तो प्लीज़ थोड़ा सा संभाल लेना, कैमरा नहीं है सिर्फ मेरा फ़ोन है यहाँ पे, उसका बैटरी डाउन है मुझे पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, एक डिव जिसका विड्थ इतना इतना सा होगा, तो उसको भी मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं इतना क्लास नेम दूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिव होगा, और यहाँ पे दो डिव होगा, एक मेरा फ्रेंड्स का डिव होगा और एक मेरा चैट का डिव होगा। तो चलो वो करते हैं, मैं पहले फ्रेंड्स का डिव बनाता हूँ, मैं इसको क्लास नेम दूंगा और उसको बोलूँगा विद तेरी स्क्रीन हो जाए, मतलब मोबाइल डिवाइस पे उसे पूरी विद हो, ओवरफ्लो एक्स हिडन हो जाए, ओके ठीक है चलेगा। मैं स्मॉल डिवाइस के ऊपर ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल, नहीं नहीं ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल यहाँ पे दूंगा, ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल यहाँ पे दूंगा, या फिर नहीं 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 स्मॉल डिवाइसेस पे वो स्क्रोल कर पाए क्योंकि उसके एलिमेंट्स वैसे रहेंगे, और लार्ज डिवाइसेस मतलब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर के डिवाइसेस है उसमें वो ओवरफ्लो वाला हिडन रहेगा बिकॉज वो साइड में दिखेंगे ना बराबर। फिर मैं बोलूँगा कि स्मॉल डिवाइसेस पे इसका स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर के स्मॉल डिवाइसेस से ऊपर के जो भी डिवाइसेस है उनको उनके पास इसका विड्थ जो है वो बन जाए 20 VW, क्योंकि ज़्यादा रखे कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड मार्जिन वाई 6 रहेगा, मार्जिन वाई मतलब ऊपर और नीचे से 6 का मार्जिन, और पैडिंग 3 का रहेगा, तो एक अच्छा सा सेफ एरिया बन जाता है हमारे इसको दिखने के लिए। अब मैं अंदर थोड़ा आऊँ तो मुझे यहाँ पे H1 दिखेगा, ओके। और इस H1 में लिखा होगा, ये गेटअप का कलर सजेशंस क्यों आया भाई, डूड डूड डूड, हाँ एक H1 होगा एंड ओके। और इस H1 में क्या होगा, मैं इस H1 में लिखूँगा चैट्स लिखाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, क्लास नेम दूंगा या सजेशंस, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसका टेक्स्ट है ना वो 3XL है, 3XL है, फॉन्ट उसका बोल्ड है, ठीक है बोल्ड है, और मार्जिन बॉटम 4 है, मार्जिन बॉटम 4, और टेक्स्ट जो है वाइट है कम्प्लीटली कुल। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो सही है, अभी आपको दिखेगा, और मैं अभी जो करने वाला हूँ वो भी आप देखो। अब मैं यहाँ पे और एक डिव बनाऊँगा और जिसके अंदर मैं एक मैप फंक्शन लगाऊँगा, और मैप फंक्शन कैसा रहेगा मेरा कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है और मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स डॉट मैप। अब अरे यार आपके मन में एक क्वेश्चन आया रहेगा कि राज तू ये बार बार ना ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाता है, देखो बात क्या होती है, देखो अगर आप डायरेक्टली अगर फ्रेंड्स डॉट मैप लगाओगे आपका पेज रेंडर होगा, ये भी चीज़ रेंडर होगी, बात समझो, पेज आपका रेंडर होगा, ये भी चीज़ रेंडर होगी, और जब भी आप बेसिकली लगाओगे ना तो क्या होगा, जब भी रेंडर होगा तो आपके पास क्योंकि आपका एरे बना ही नहीं है, आपका डेटा अभी तक आया ही नहीं है, वो दिखाएगा अनडिफाइंड, तो पूरा पेज वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अच्छा आप ये नलेबल लगा सकते हो, बेसिकली आप क्या बस बोल रहे हो कि डेटा आ सकता है, मतलब हो सकता है, तो कैसा होगा जब भी डेटा आएगा वो अपनी जगह ले लेगा, सिंपल सिंपल एज दैट। और मुझे देखते हैं तो पहले ये चल रहा है क्या, यस चल रहा है, ठीक है। मैप करूँगा मैं किसको, फ्रेंड्स में से मैं FRIEND फ्रेंड को ग्रैप करूँगा, ओके कूल। फ्रेंड को ग्रैप करने के बाद बराबर कर रहा हूँ क्या, हाँ बराबर कर, और एक मैं सिंपल सा एक डिव रेंडर करूँगा, डिव रेंडर करूँगा, ठीक है। और इस डिव का जो आईडी होगा मैं पहले इसको दे दूँगा, बिकॉज देखो मैप के बाद जो भी पहला आपको डिव दिखता है ना, या फिर कोई भी पहली चीज़ जिसके जो पैरेंट चीज़ एज एक्ट करती है मैप के बाद, उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे
फ्रेंड डॉट। अब मैं हर जगह पे क्यों ऐसा दे रहा हूँ, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ उसको अगर नलेबल मिल गई तो आपको पूरा प्लेज ब्लैंक, पूरा पेज ब्लैंक कर देगा और मुझे वो नहीं चाहिए। सिंगल सिंगल सिंगल, इतना सिंपल बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इमेज, मेरी इमेज दिखे यहाँ पे, और इमेज सोर्स में क्या दिखेगा मैं बताता हूँ मैं आपको। इमेज सोर्स में क्या दिखेगा मेरा, FRIEND फ्रेंड है, ओके फ्रेंड है, उसका डॉट प्रोफाइल वो दिखे, और अल्ट टेक्स्ट में क्या दिखे कि मेरा जो फ्रेंड है उसका नेम, अल्ट में क्या दिखे मेरा जो फ्रेंड है उसका नेम, ठीक है, फ्रेंड है डॉट नेम, ठीक है, नेम कूल। अब अगर मैं आपको ऐसे कुछ दिखाऊं तो आपको ये कुछ बराबर नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स डॉट मैप पूरा नहीं है क्या, प्रोफाइल फ्रेंड डॉट प्रोफाइल, चलो आगे का कर लेते हैं जितना सोच रहा है, लेकिन दिखना चाहिए यार। डेटा आ रहा है कुछ, कंसोल में एरर दिखा रहेगा, नहीं डेटा आ रहा है प्रॉपरली, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। अच्छा मैंने कुछ इमेज का विथ वगैरह दिया नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है मे बी। देखो अल्ट फ्रेंड डॉट विथ हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रेंड डॉट प्रोफाइल ही है आई गेस, मुझे पता है फ्रेंड डॉट प्रोफाइल ही है। मैं इसको क्लास नेम देके देखता हूँ, देखे देखता हूँ, और मैं इसको बोलूँगा विद इसका 20 हो जाए, विद इसका 20 हो जाए, हाइट इसका 20 हो जाए, हाइट इसका 20, एक्चुअली मुझे स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, हाइट 20, राउंडेड तो भाई, राउंडेड तो भाई फुल हो, और एम एक्स ऑटो हो, कोई चेंज ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सेट फ्रेंड्स कर रहे हैं, हाँ प्रॉपर है फ्रेंड्स कर रहे हैं, और इन फ्रेंड्स को मैप भी कर रहे हैं, तो इन सच कोई एरर आना चाहिए गेट फ्रॉम फेव वाले में, ठीक है। फ्रेंड्स डॉट मैप भी कर रहे हैं हम, FRIENDS बराबर कर रहे हैं, डॉट मैप कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, चलो इस डेव को एक बार स्टाइल कर लेता कि क्या है ये क्लास नेम। मैं क्लास नेम से इतना बताऊँगा कि मैं ना ये क्लास नेम बाद में देता हूँ, मैं पहले तो सिर्फ इतना बताता हूँ कि क्लास नेम क्या होगा। मैं बीजी वाइट होगा, पैडिंग 4 में होगा, और राउंडेड होगा, राउंडेड जो होगा वो LG होगा। अभी तो दिख, एक बार रिफ्रेश, मुझे नहीं पता यार डेटा क्यों नहीं आ रहा यार, मैं एक बार टेक्स्ट भी लगाता हूँ यार, ठीक है चलो एक बार टेक्स्ट भी लगाता हूँ कोई बात नहीं, अब पैराग्राफ लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड का जो भी नेम है ना वो रैप करता हूँ, फ्रेंड डॉट नेम। अरे हाँ मेरे को एक बार करनी है कि उसमें काला दिख रहा है, तो मैं उसको क्लास नेम, क्लास नेम करके मुझे क्या बताना पड़ेगा कि उसका टेक्स्ट है वो पहले तो सेंटर पे आ जाए, ठीक है, फॉन्ट उसका बोल्ड हो जाए, मार्जिन टॉप से 2 दिखे, मार्जिन टॉप से 2, और फॉन्ट है ना वो रोपा सेंस ऐड हो जाए, रोपा सेंस, ओके ठीक है कूल। लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि लेकिन बाय द वे बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, तो डेटा क्यों नहीं आ रहा यार, सिंपल सी बात है डेटा क्यों नहीं आ रहा है। फ्रेंड डॉट मैप कर रहा हूँ, मेथड प्रॉपर है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना रिटर्न लिख देता हूँ, कहीं उसके वजह से तो एरर नहीं आ, ये रिटर्न के वजह से एरर आ रहा था क्योंकि ये फंक्शन बन गया था और ये रिटर्न का नहीं कर पा रहा था, दैट्स इट, और ये इतना अच्छा दिख रहा है कूल। हम इसको फिक्स करते हैं ना, तुम क्या टेंशन लेते हो, मैं डायरेक्टली इस क्लास के पास आऊँगा जो मेरा मेन डेव है, उसको क्लास में बोलूँगा कि भाई देख तू क्या कर, बनो मैं फ्लेक्स कर दे, और स्मॉल डिवाइसेस पे हो ना, स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर से तो फ्लेक्स रैप कर दे, फ्लेक्स रैप कर दे, ठीक है। फ्लेक्स रैप से क्या होगा कि जितना डिव है उतना ही आ जाएगा, उतना करने का ट्राई करेगा, गैप 4। अब 2 दोस्त है इसलिए कुछ नहीं, अगर तीसरा ऐड हो गया तो फिर ऐसा क्लटर हो जाएगा ना, उससे अच्छा क्या कर दे कि बराबर तो उतने ही इसका अलग कर दे, गैप 4 कर दे, ओवरफ्लो
एक्स कर दे स्क्रोल, ठीक है, और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर क्या कर दे, ओवरफ्लो एक्स, फ्लो एक्स हिडन कर दे, फ्लो एक्स परफ्लेक्स हिडन कर दे, सिंपल कूल क्लास ओके क्लास गुड। अब अगर मैं इसको आपको कुछ ऐसे मोबाइल डिवाइसेस में दिखाऊं, सो मोबाइल डिवाइसेस में एकदम मस्त है, एकदम मस्त है गाइस, नो डाउट मस्त है, एकदम मस्त है मोबाइल डिवाइसेस में, मस्त है भाई, इसका तो कोई कंपटीशन नहीं है फिर, ठीक है। कूल अभी तो और ऐसा करना बाकी है लेकिन वो बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये डिव, अब ये डिव इसमें क्या होगा, बेसिकली मैं बोलूँगा ये डिव तो, ये डिव बहुत खास है, क्यों खास है, क्योंकि मैं इसमें एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं इसमें एक चीज़ है कि मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, किसी भी इसके ऊपर डेव के ऊपर, तो वो सेलेक्ट हो जाए, और मतलब वो चैट सेलेक्ट हो जाए चैटिंग के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और एक स्टेट बनाऊँगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, चीज़ बताता हूँ, मैं एक बताता हूँ कि कुछ ऐसे लाइक मैं स्टेट क्या बनाऊँ, कौन रेसिपिएंट, RECIPIENT रेसिपिएंट ईमेल, मतलब जो है जिसके मुझे, जिससे मुझे चैट करना है, और मैं बोलूँगा सेट रेसिपिएंट ईमेल, सेट रेसिपिएंट ईमेल, अरे यार सेट रेसिपिएंट ईमेल, और ये स्टेट, ठीक है। एक मेरा फंक्शन होगा तो बेसिकली क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा फंक्शन भी है, ठीक है, अब ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, समझो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इनी TIAT इनिशिएट चैट। अब ये चैट फंक्शन है ना, वो इनिशिएशन के लिए, चैट को इनिशिएट करने के लिए भी काम आएगा, और ये एसिंक फंक्शन नहीं होगा, ये बेसिकली एक ईमेल एक्सेप्ट करता है, एक ईमेल मतलब एक कोई तो टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि सेट रेसिपिएंट कर दे ईमेल से, और एक काम कर दे टोस्ट डॉट सक्सेस भी डाल दे, टोस्ट डॉट सक्सेस क्या होगा मैं इतना बता रहा हूँ, टोस्ट डॉट सक्सेस इतना होगा सिंपली कि चैट इनिशिएटेड विद प्लस ईमेल, सिंपल इतना, ओके इतना चैट, या फिर चैटिंग विद कर सकता है, चैट इनिशिएटेड या फिर चैटिंग विद कर सकता है, सिंपल सिंपल चैटिंग, चैटिंग विद दिस, ओके। अब टोस्ट को बुलाता हूँ मैं, इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट एंड टोस्ट, सिंपल अब बात देखो क्या है, मैं बोलूँगा कि जब भी मैं इस डेव के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, मैं जब भी इस डेव के ऊपर ऑन क्लिक करूँ तो होना क्या चाहिए, तब एक कॉल बैक फंक्शन रन होना चाहिए, और उस कॉल बैक फंक्शन में क्या होना चाहिए कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनिशिएट चैट में मेरा ये जो फ्रेंड है उसकी आईडी जाए, सो मैं फ्रेंड है उसकी डॉट ईमेल जाए, ठीक है, बात से समझे। अब मैं ये ऐसे भी लगा सकता हूँ, मैं इसको एक बैकटेस लगा सकता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा काम कर सकता हूँ, लाइक कैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे देख। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरी क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरी रेसिपिएंट की आईडी की ईमेल ट्रिपल इक्वल टू है, मतलब मेरे रेसिपिएंट की ईमेल ट्रिपल इक्वल टू है मेरे ये जो फ्रेंड है उसके ईमेल से, तो थोड़ा सा एक इफेक्ट दिखे, कैसा इफेक्ट दिखे मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ कि अगर मेरी रेसिपिएंट की ईमेल, अगर मेरी RECIPIENT रेसिपिएंट की ईमेल वो ट्रिपल इक्वल टू है कौन से, मेरा फ्रेंड की ईमेल से, तो क्या हो जाए, फ्रेंड का ईमेल से तो क्या हो जाए, तो मैं क्या बोलूँगा कि क्या कर सकता हूँ मैं सिंपल से एक, अगर फ्रेंड्स ईमेल फ्रेंड डॉट ईमेल, ठीक है,
ईमेल तो क्या हो जाए, दो एंड एंड तब क्या हो जाए, सिंपली एक शेडो जो है शेडो प्राइमरी कर दो, ठीक है, शेडो का कलर प्राइमरी हो, शेडो इनर हो, शेडो इनर। तो अभी आपको कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा लाइक दिस, देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ओ सो नाउ अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, देखो आपको देख चैटिंग विद ये आया, इसको सेलेक्ट करूँ तो चैटिंग विद ये आया, तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, दैट्स इट दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आऊँगा यहाँ पे एंड मैं इस डेव की नहीं, अभी इस डेव की जो मेरा सेपरेट डेव है, मैं इसको कम्प्लीटली ऐसे करूँगा मिनिमाइज, सो दैट कि मुझे इस डेव पे काम करने मिला। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये क्या है, मेरी ये चैट चैट स्क्रीन है, चैट स्क्रीन है। अब इस चैट स्क्रीन में देखो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पहले कुछ क्लास देता हूँ, क्लास नेम देता हूँ, एंड द क्लास नेम्स वुड बी लाइक कि इसका विद है ना बाई डिफॉल्ट 90 BW, ठीक है, स्मॉल डिवाइस पे। और स्मॉल डिवाइस के ऊपर से ऊपर के जो भी डिवाइस है उसका विद है ना, उसका विद है ना, अरे यार विद उसका क्या हो जाए, उसका विद हो जाए 60 BW, कुल। एंड इसकी हाइट जो है वो हाइट बेसिक डिवाइसेस के लिए 80 VH है, एंड आई गेस बड़े डिवाइसेस पे भी उतनी होनी चाहिए हाइट, 80 VH सबके लिए हाइट 80 VH रहनी चाहिए। शेडो जो है उसकी प्राइमरी है, शेडो प्राइमरी है, ठीक है, शेडो जो है वो इनर है, टाइपिंग के लिए आज कंटाला आया मेरे को यार, और मार्जिन वाई में 6 है, ठीक सिंपल। और फिर क्या है वो राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड है, और राउंडेड क्या है LG है, फिर रिलेटिव है। अब रिलेटिव क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको रिलेटिव करूँगा तो मैं जब चैट वाला जो बनाऊँगा ना चैट वाला, उसको मैं एब्सोल्यूट करके, अगर मैं उसको एब्सोल्यूट करूँ तो वो पेज उसके बाहर नहीं जाएगा, इस रिलेटिव ड्यू के बाहर नहीं जाएगा, वो उसके अंदर ही एक अच्छी सी जगह ले लेगा। मैं आपको दिखाऊँगा वो कैसे होता है, ठीक है, इसके लिए मैं इसको रिलेटिव कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे H1 दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, मैं रेसिपिएंट का जो ईमेल है ना वो दूंगा, RECIPIENT रेसिपिएंट का ईमेल, सिंपल, ठीक है। ऊपर मैं आपको बताया ना कि ऊपर चैटिंग के टाइम पे दिखता है आपको, मैं क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम दूंगा, और मैं यहाँ पे इतना बताऊंगा कि टेक्स्ट है ना टेक्स्ट वो एक्सेल है, फॉन्ट बोल्ड है, और पैडिंग 4 है, ठीक है। टेक्स्ट है टेक्स्ट वो वाइट है, BG प्राइमरी है, प्राइमरी है, राउंडेड से मतलब राउंडेड हो कहाँ से, टॉप्स और लेफ्ट से MD, और राउंडेड क्या हो टॉप और राइट से, ओके राउंडेड टॉप राइट से MD, ठीक है। फिर फॉन्ट जो है वो कौन सा है, रोपा सैंस, कूल। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी दिस कोड एडिट टेस्ट हैक एडिट टेस्ट, ठीक है, कूल। लेकिन मेरा टेक्स्ट वाइट कहाँ पे है, टेक्स्ट वाइट इज नॉट अप्लाइड, वाई, लेट मी सी, टेक्स्ट WHT है तो टेक्स्ट, अब ये कूल दिखेगा, गेट ग्रेट। चल अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक डेव बनाते हैं, ठीक है। उस डेव में क्या होगा, बेसिकली मेरे मैसेजेस करके भी मेरा कुछ चीज़ बनेगा, मेरा मैसेजेस करके मैं एक बनाता हूँ डेव, एक स्टेट बनाता हूँ, एंड मैसेजेस एक एरे होगा बेसिकली, ठीक है। देखो सिंपल मैं क्या बोलता हूँ, मैं ना कुछ स्टेट्स बना के लेता हूँ, जैसे फ्रेंड्स हो गया, रेसिपिएंट, ईमेल हो गया, एक मैसेजेस और एक इनपुट मैसेज और मैसेजेस बनाता हूँ, कौन मैसेजेस और सेट MEWS एज, बाद में गलती करता हूँ, MEWS AGS मैसेजेस एंड सेट मैसेजेस यू स्टेट हो गया। फिर मैं बोला कॉन्स्ट इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज और सेट इनपुट मैसेज MEWS सेट इनपुट इनपुट मैसेज मैसेज सेट इनपुट मैसेज इज इक्वल टू यूज स्टेट, और नहीं चाहिए यूज स्टेट, और ये मैसेजेस जो होंगे इनपुट मैसेज वो स्ट्रिंग होंगे, कुल सेट इनपुट मैसेज। अब ये कुछ मेरे स्टेट्स बन गए, अब इनके थ्रू मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ओके कुल।
यहाँ पे डेव के पास आऊँगा और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैसेजेस से मैप कर सकता हूँ कुछ चीज़ों को और उनके हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज भी कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा हाइट देता हूँ ताकि चीज़ें दिखे। क्लास नेम्स ठीक है, मैं बोलूँगा इसका एट हाइट जो है ना वो 80% हो, बेसिकली हाइट जो भी है वो 80% हो। ओके और ओवरफ्लो वाई स्क्रोल हो, क्योंकि देखो क्या है ना कि मैं इतना अमाउंट ऑफ मैसेजेस का चैट दिखाना चाहता हूँ और मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ओवरफ्लो वाई स्क्रोल करता हूँ, बेस्ट रहेगा। CRO LL वाई स्क्रोल हुआ, फिर मैं बोलूँगा पैडिंग ना पैडिंग 4 की हो, चैडिंग पैडिंग 4 ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर ही लेगा। एंड मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, एक बात कि मैसेजेस डॉट मैप होंगे और मैप और उसमें क्या आएगा, मैसेज आएगा और उसका एक इंडेक्स आएगा ठीक है, और इंडेक्स लिख देता हूँ ठीक है। जब जो भी चीज़ के पास इंडेक्स नहीं होता मैं हम ऐसे कर सकते हैं, और बेसिकली क्या होगा, बेसिकली मैं बोलता हूँ मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, मुझे मतलब मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिव करता हूँ, एक भेजता हूँ डिव, और मैं सिंपल क्या बोलता हूँ कि डिव, अब चैट्स दिखेंगे आपको, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, सब चीज़ दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जब भी रिटर्न करते हो तो आपको की देनी पड़ती है, एंड की इज़ गोइंग टू बी आपकी इंडेक्स, सिंपल उसका काम ख़त्म हो गया, इंडेक्स का काम इधर ही ख़त्म है, इसलिए मुझे इंडेक्स चाहिए था। अब की मिल गया मुझे और मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो बात सिंपल है, मैं इतना बोलूँगा कि क्लास नेम लूँगा और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डायनामिक ऑब्जेक्ट्स। अब मैं बोलूँगा कि ये बाय डिफॉल्ट द फ्लेक्स हो, और मैं एक अराउंड लगाऊंगा कि अगर अगर मेरा मैसेज है, मैसेज डॉट मैसेज में अगर मेरे सेंडर ईमेल एग्जिस्ट करता है ठीक है, मतलब अगर सेंडर ईमेल है वो ट्रिपल इक्वल टू है मेरा यूज़र जो अभी है, मेरा यूज़र जो अभी लॉग्ड इन है ठीक है, यूज़र डॉट ई मेल। अब ये यूज़र कहाँ से आएगा, ये यूज़र यहाँ से आएगा, कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यूज़र कौन कहाँ से आएगा, तो मैं यूज़र यहाँ से आएगा क्या, कॉन्स्ट यूज़र को बुलाओ, कहाँ से यूज़र को बुलाओ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि उसने लॉग इन किया ना तो कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, और ये ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट नहीं, ऐप कॉन्टेक्स्ट कूल। अब ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी बुलाते हैं, नहीं आ रहा है कूल, कितना अच्छा है वो, इम्पोर्ट ऐप ऐप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ऐप कॉन्टेक्स्ट, सजेशन देखते हैं कि प्रॉपर है क्या, यस प्रॉपर है, उसमें से ऐप ऑप ऐप कॉन्टेक्स्ट आ रहा है क्या, तो मेरा यूज़र का जो भी डेटा है ना वो यहाँ पे आएगा। अब बात सिंपल है कि हम चेक करें कि जो भी मैसेजेस है, मैसेजेस में से जो सेंडर ईमेल है वो क्या मेरे ईमेल का जैसा है। हाँ अगर है, अगर है तब क्या हो कि बीजी प्राइमरी हो, एक्चुअली मैं ये करूँगा या फिर मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं पोजीशन देता हूँ कि अगर मेरा अगर ये सेंडर का ईमेल अगर यूज़र के ईमेल के बराबर है तो क्या कर दो, राइट साइड में जाए, मतलब आप अगर ऐसे देख रहे हो तो ये साइड में आ जाए, अगर नहीं है तो ये साइड में ठीक है, मतलब मेरे साइड से ये साइड में रहते हैं ना, तो वैसे तो मैं क्या बोलूँगा जस्टिफाई एंड कर दो और ये जस्टिफाई स्टार्ट कर दो, सिंपल सा ठीक है, बात हो गई। तो अभी वो साइड एडजस्ट हो गए कुल, अब ये हो गए। और मैं थोड़ा सा काम करूँगा यहाँ पे, और एक चीज़ दूंगा ये ख़त्म होने के पहले, मैं मार्जिन बॉटम से 4 दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिखेगा। ओके मैं अगर कुछ ऐसा करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ दिखना नहीं चाहिए, देखो ठीक है, मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो स्टेट्स आएंगे आई गेस, यहाँ पे चैट दिखेंगे थोड़े देर में, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई, अभी चैट्स क्यों नहीं आ रहे मेरे को देखने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं, चलो कुछ बड़ी बात नहीं, चैट्स नहीं फ्रेंड्स क्यों नहीं दिख रहे वो। अब हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डे बनाता हूँ अंदर, और इस डे मैं क्लास नेम दूंगा, अच्छा इसके अंदर क्लास नेम, इस डिव के अंदर क्या होगा, एक स्पैन होगा जिसमें जो मेरा एक्चुअली मैसेज का होगा, तो मैं एक स्पैन बनाऊंगा, स्पैन में रहेगा मेरा मैसेज है, मैसेज डॉट
सेंडर ईमेल, मतलब सेंडर का ईमेल दिखेगा यहाँ पे किसने सेंड किया। एंड एक ऐसे मैं और बनाता हूँ, और ये होगा पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, और उसमें मैसेज डॉट मैसेज होगा बेसिकली सिंपल, MESAG सिंपल मैसेज का मैसेज होगा। अब इस डिव को थोड़ा सा अपन और बनाते हैं कि मेरा जो है मैसेज वो पिंक पिंक कलर का हो बैकग्राउंड उसका, और उसका जो है वो वाइट कलर का बैकग्राउंड हो, दैट्स इट। सो मुझे क्लास नेम इज ऐड करेंगे हम, एंड उस क्लास नेम में कुछ ऐसे ऐड करेंगे, एंड हम सिर्फ बोलेंगे कि देखो हम क्या बोलेंगे वो देखो, हम बोलेंगे कि BG तो ऐसा ही है। अब मैं बोलूँगा कुछ ऐसे कि अगर BG है, ठीक है, अब इसके अंदर हम डायनामिक कलर चेंज करेंगे कि अगर मैसेज डॉट सेंडर सेंडर ईमेल वो ट्रिपल इक्वल टू है यूज़र डॉट ईमेल के बराबर से, तब क्या हो, तब प्राइमरी मतलब BG के आगे वो प्राइमरी ऐड हो जाएगा, एल्स क्या हो, वाइट आ जाए, ठीक है, वाइट, कूल, दैट्स इट। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में ये होने के बाद एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे कि टेक्स्ट है उसका, टेक्स्ट कैसे कैसे होना चाहिए वो भी है कि अगर अगर मेरा मैसेज का डॉट मैसेज डॉट सेंडर ईमेल इस ट्रिपल इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल के बराबर है, ठीक है, ईमेल, तब क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, ये सही है, सजेशन सही है, चले गए, ईमेल है, इफ़ दिस इज़ द केस देन वाइट हो एल्स ब्लैक हो, ठीक है, कूल, क्योंकि अगर वाइट बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली मुझे ब्लैक टेस्ट दिखना पड़ेगा, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग 2 तो सबके लिए रहेगा, विद फिट तो सबके लिए रहेगा, ठीक है, और राउंडेड LG भी सबके लिए रहेगा। एंड देन हमें एक चीज़ और लगानी है यहाँ पे कि अगर मेरा मैसेज डॉट सेंडर ईमेल है, मैसेज और सेंडर ईमेल ट्रिपल इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल है, देन क्या कर दो, देन तुम राउंडेड टॉप राइट नन कर दो और मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दो, ठीक है, एक सेफ्टी साइड के लिए, और एल्स क्या कर दो, राउंडेड टॉप लेफ्ट नन कर दो, सिंपल, बस चीज़ इतना सिंपल है। और अभी अगर मैं दिखाऊंगा तो कहीं पे तो कुछ तो एरर आ रहा है, ये इनपुट मैसेज सेट मैसेजेस हमने अभी तक किया नहीं है, वो हम करेंगे। अब जैसे ही ये मेरा डेव ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मैसेजेस का डेव यहाँ पे ख़त्म होना, मैं इसको एक बार ऐसा कर दूँ, ठीक है, मैं इस डेव को एक बार ऐसे करता हूँ ताकि मुझे समझे। जैसे ये डेव ख़त्म हो जाता है, रेसिपिएंट ईमेल ऊपर दिखा, मेरे चैट्स यहाँ पे दिखे। अब इस टाइम की मैं एक छोटा सा एक इनपुट बना देता हूँ, देखो ये सजेशन है, अच्छा क्या, मैं देख लेता हूँ कि अच्छा है क्या, अगर ये अच्छा है क्या, देखता हूँ, नहीं बहुत घटिया है, मैं घटिया घटिया घटिया, मैं बटन बटन मैं कैसे देना चाहता हूँ, मैं आपको देता हूँ, ठीक हो, बटन तो मैं काम करता हूँ, मैं बटन को कुछ नहीं, मैं ये काम करता हूँ, पहले ना इस डेव को मैं पहले बताऊँ फ्लेक्स में, पहले ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, मुझे एप्स ABSOLUT ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, फिर ये फ्लेक्स, और फिर ये मैं उसको बताऊंगा कि बॉटम से दो का हाइट, ठीक है, फिर लेफ्ट से 0, लेफ्ट से चिपका रहना चाहिए वो, एंड राइट से भी चिपका रहना चाहिए। फ्लेक्स है, जस्टिफाई सेंटर ही कर दो तो बराबर रहेगा, बिटवीन की ज़रूरत नहीं, जस्टिफाई सेंटर है, आइटम सेंटर है, पैडिंग 4 है, पैडिंग 4 की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है मेरे को, BG वाइट रहने दो, नहीं BG वाइट की भी ज़रूरत नहीं, और ठीक है, पैडिंग 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं
मुझे इसको कुछ देने का नहीं है। बीजी वाइड भी नीचे है, जस्टिफाई सेंटर भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं सेंटर में उसमें गैप दूंगा दो का। ठीक है, दैट्स इट, मुझे इतना ही चाहिए। एंड टेक्स्ट है ये टाइप मैसेज नहीं रहेगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि टाइप मैसेज लिखो या फिर एंटर योर मैसेज ईयर भी चलेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसका नेम दे देता हूँ, मैसेज नेम देता हूँ मैसेज। ठीक है, प्लेस होल्डर। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास नेम इसको क्या दूंगा, मैं बोलूँगा कि देखो सिंपल सा, विद इसका 90% हो, विद इसका तो ओवरऑल जितना भी है उसका 90% हो। और क्या कर सकता हूँ मैं, पैडिंग वाई में 2 देना चाहूँगा, पूरे इसमें नहीं, पैडिंग वाई में 2। ठीक है, राउंडेड तो ये MD रहेगा, MD रहेगा, MD MD राउंडेड MD है, पैडिंग वाई में 2 है, पैडिंग एक्स में 4 है। ठीक है, पैडिंग एक्स में 4 है। और क्या हो सकता है, ये आउटलाइन है ना, आउटलाइन नहीं है इसके पास। अभी मैं अगर उधर गया, देखो ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है कूल है, अभी अच्छा दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है। और अगर थोड़ा सा आया नीचे सेंड के बटन पे, प्रेजे प्राइमरी है, टेक्स्ट वाइट है, पैडिंग पैडिंग वाई में 2 और पैडिंग एक्स में 4, पैडिंग एक्स में 5 एक्चुअली। राउंडेड MD है, राउंडेड MD है, और फॉन्ट रूपा सेंस है, फॉन्ट फॉन्ट रूपा सेंस है। ठीक है, और इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तब एक फंक्शन रन होना चाहिए हैंडर सबमिट, और ये इसका वैल्यू इनपुट मैसेज है। और जब मैं इसको करूँगा इधर वगैरह, अब इसको जब मैं करूँगा तब हैंडल सेंड मैसेज करके फंक्शन रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक सिंपल हैंडल सेंड मैसेज, कुल हैंडल सेंड मैसेज करेंगे। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल सेंड मैसेज का। और एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, अभी हैंडल सेंड मैसेज बताया, फिर कुछ यूज़ इफेक्ट से हम चीज़ों को ले सकते हैं। क्या करें करें करें, चलो एक काम करते हैं, हम इनिशिएट चैट के ऊपर लगे, कौन हैंडल चेंज मैसेज, ये क्या है, ये एक एसिंक फंक्शन होगा, नहीं एक एसिंक फंक्शन होगा क्या, नहीं एक्चुअली मुझे सॉकेट के ऊपर ही डालना है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली मुझे हैंडल सेंड MESAG बराबर है, बराबर है। अब मैं फंक्शन एम्प्टी छोड़ता हूँ, ठीक है फंक्शन एम्प्टी छोड़ता हूँ। अब आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है अब मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं बैकएंड पहले लिखूँ या क्लाइंट लिखूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसमें सॉकेट आयो क्लाइंट इंस्टॉल किया हो गया, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे बनाए। मतलब कॉन्स्ट मैं आयो ग्रैप करूँगा, आयो ग्रैप करूँगा, मेरे मेरे आई गेस मुझे कॉन्स्ट नहीं आएगा, इम्पोर्ट इम्पोर्ट आयो, अगर सॉकेट आयो क्लाइंट इसमें इंस्टॉल होगा तो सही है। हाँ लेट्स चेक कि सॉकेट आयो क्लाइंट इंस्टॉल, यस। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है जादू नहीं, एक्चुअली जादू नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एरर कहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे दूसरी लाइन दिखा। मैं आपको डायरेक्टली आप एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप आएंगे ना, यहाँ पे आपको करो, इसके अंदर मत करो, इसके अंदर करने का ड्रॉबैक ये है कि कुछ कुछ टाइम कंपोनेंट जब रेंडर होता है ना तो आपकी एक आईडी स्टेबल नहीं रह पाती, तो इसके लिए इसके बाहर करो। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट सॉकेट, सॉकेट इज इक्वल टू आयो, और आयो के अंदर ना जहाँ पे आपको कॉल करना है, आपको बेसिकली आपके सर्वर का जो रूट URL है वो डालना है, तो लोकल होस्ट 5000। ठीक है, तो जैसे ही ये किया मैंने, आप यहाँ पे कंसोल भी देखो, ठीक है कंसोल भी देखो और ये करो, देखो आया यहाँ पे सॉकेट, देखो कनेक्शन करा रहा है, सॉकेट कनेक्शन कर रहा है बेसिकली। मैं यहाँ पे भी आऊँ और इसको इसका ऐसा करूँ ना, चैट से आपको चैट सॉरी में दिखेंगे वो अपन देखते हैं बाद में, ठीक पहले ये देखो, एरर फेचिंग फ्रेंड्स, एक्सोस एरर क्या आया, एरर
चैप्टर दो आई गेस। हाँ मेरा टोकन एक्सपायर होगा एक्चुअली, वो रहेगा। मैं लॉग इन करता हूँ वापस से, और मैं tester@test.com, test.com 1 hour का टोकन था, वो लॉग इन लॉग आउट हो गया बस। हाँ मेरा टाइम, मैं ज़रा है ना एक काम करता हूँ, मैं ना टाइम चेंज करके तुरंत आता हूँ, टाइम चेंज करके तुरंत आता हूँ। गाइस 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 सॉरी सॉरी। देखो यार अच्छा हुआ हमने देख लिया, बट वो कैमरा जो है ना, मतलब मेरा फ़ोन शट डाउन होने वाला था, जस्ट 2-3% थे और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने उसको अभी चार्जिंग पे लगा दिया। अब बात करते हैं एक्चुअली गेम, ठीक है। तो अभी देखो मेरा टोकन वो कनेक्टेड वगैरह दिखा रहा है, अभी मैं इसको एक बार लॉगिन करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है यार, ये API लॉगिन इसमें क्यों हैंडल में पड़ा, क्या प्रॉब्लम है? देखो पेलोड मैसेज, प्लीज साइन अप, अच्छा प्लीज साइन अप, अच्छा tester@test.com, या tester@test, अच्छा TST, तो कुल अब देखो साइन अप हुआ। जैसे साइन अप हुआ चैट्स में आया, और देखो फ्रेंड्स भी दिखने लगे, ठीक है। अब मैं कंसोल पे देख रहा हूँ, तो कंसोल पे देखो अब भाई आपके पास ये सब अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कुल मैं इसको है ना क्लोज़ करता हूँ, क्लोज करता हूँ। एंड सिंपल सा व्हाट वी कैन डू दिस, कुल अब हम क्या करते हैं, हम ना सॉकेट से देखो मैंने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। अब हम ना कुछ यूज़ इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसके पहले हम हमारे बैकएंड में कुछ चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें मतलब क्या करेंगे बराज भाई, हम हमारे सर्वर में जो सॉकेट के जो जो भी हमारे लाइक मेथड्स है वो सब लिख देंगे। देखो सॉकेट में सिर्फ ऑन कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, और हमारा ये कनेक्टेड। अगर हमें ये सॉकेट डॉट एमिट में आपको कॉल करके दिखाऊंगा, तो वो भी हम दिखा दें। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं भी दिखाता हूँ, बट फिर भी हम बाद में देखेंगे अभी इसको प्रॉपरली। हम थोड़ा सा अभी लॉजिक देख लेते हैं प्रॉपरली पीछे, ठीक है। अब मेरी बात देखो, हम एक, मैं एक स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, हमें ना क्या करेंगे, कॉन्स एक यूजर्स करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कॉन्स, अब ऑब्जेक्ट क्यों भाई राज भाई, तो मैं इन सच आपको बताता हूँ। कॉन्स यूज़र, ठीक है, एक यूज़र्स करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ। अब क्या होगा कि जितने भी कनेक्शंस यहाँ पे बनेंगे, वो सब कनेक्शंस को हम एक एक करके यूज़र्स में स्टोर करते जाएंगे। सो दैट कि समझो मैंने पहला कनेक्शन बनाया, मेरे दोस्त ने कनेक्शन बनाया, और एक आपने कनेक्शन बनाया, तो ठीक है। जैसे मैंने कनेक्शन बनाया यूज़र्स में, मैं स्टोर हो गया। जैसे आपने कनेक्शन बनाया, आप स्टोर हो गए, मेरा दोस्त वो हो गया आप, ठीक है। तो हम कैसे, अब जो भी यूज़र्स के अंदर कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, जो भी यूज़र्स के अंदर मेरे सॉकेट आईडीज एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस सर्वर से कनेक्टेड हूँ, सिंपल इतना मतलब है। तो फिर मैं जो चाहिए वो काम कर सकता हूँ। अब मैंने क्या, मैंने क्या बोला, मैं सॉकेट डॉट एमिट ये तो ऐसे रखूँगा। अब मैं ना एक इनिशिएट चैट वाला इवेंट हैंडल करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँगा हैंडल द इनी INITI इनिशिएट चैट इवेंट। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज लिख देता हूँ कि सेंड अ वेलकम मैसेज, ठीक है, टू द कनेक्टेड क्लाइंट। अब यार आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जैसे मैंने कैमरा वगैरह ऑफ किया, तो मेरा जो मेरा जो भी थोड़ा टाइपिंग का, जो कंप्यूटर का मेरा स्पीड है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। तो आप मुझे बताओ कि यार मुझे आप कैमरा देख के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, या फिर आप ऐसे एक्सप्लेनेशन से भी आपको चल जाएगा, सो दैट कि हम नेक्स्ट टाइम वैसे काम करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, मतलब सॉकेट के ऊपर अगर ये इनिशिएट चैट वाला कुछ रिक्वेस्ट आए, TIAT इनिशिएट चैट नाम से कुछ भी सॉकेट के ऊपर इवेंट आए, तो इवेंट, तो इस इवेंट से मुझे क्या लेना है, मुझे इस इवेंट से सेंडर ईमेल लेना है, इस इवेंट से मुझे सेंडर ईमेल लेना है, और मुझे RECIPIENT ईमेल लेना है। मतलब बेसिकली क्या लेना है मुझे इस इवेंट से, मुझे इस इवेंट में डेटा मिलेगा। सिंपल देखो, कोई भी सॉकेट में जो भी कनेक्शन बनता है ना, मुझे हमेशा हमेशा एक डेटा मिलेगा, लेकिन मैं उस डेटा से सेंडर ईमेल और रेसिपिएंट ईमेल कर रहा हूँ। अब डेटा कैसे भेजना है वो क्लाइंट साइड से हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम सेंडर ईमेल और रेसिपिएंट ईमेल लेंगे, और अभी हम क्या करेंगे, हम पहले तो उसको स्टोर करेंगे द RECIPIENT।
रेसिपिएंट्स सॉकेट, ठीक है, सॉकेट आईडी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि रेसिपिएंट की सॉकेट आईडी है वो हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, यूजर्स में। अब कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि यूजर्स और आर ई सी आई पी आई ए एन टी ई मेल इज इक्वल टू सॉकेट आईडी। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि यूजर्स में रेसिपिएंट ईमेल नाम से की बन रही है और उसके आगे उसकी आईडी जा रही है। बेसिकली की ऑब्जेक्ट पेयर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली यूजर्स के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर समझो मैं अगर कनेक्ट हुआ तो आर ए जे पी ए डी वी एल, अगर समझ मैं ऐसे कनेक्ट हुआ तो उसके आगे मेरे सॉकेट की जो भी आईडी है, मतलब सॉकेट का मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके आगे आ रहा है। ऐसे मल्टीपल कनेक्शंस रहेंगे, ठीक है, तो समझो ऐसा फिर ऐसे, तो कैसे हमारे मल्टीपल कनेक्शंस ऐसे बन रहे हैं। दैट्स इट समझे। तो ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो की ऐसा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही इस ईमेल से की बनाओ और उसकी आईडी ये कर दो, दैट्स इट, इतना सिंपल है, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, काम करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमें दिखनी चाहिए कि कितने लोग कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, कीज़ मतलब ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ जो भी है इस यूज़र्स के अंदर, ठीक है, उसकी लेंथ बताओ। मतलब बेसिकली क्या बताएगा कि कितने कीज़ ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कीज़ है, मतलब और कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यूज़र्स के अंदर, उसका लेंथ क्या है। तो जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स कनेक्टेड रहेंगे, जितने नंबर ऑफ़ ईमेल्स जो भी रहेंगे, समझो मेरा हो गया राज, फिर दूसरा एक कनेक्ट हुआ सॉकेट है दूसरा, तो उनका सबका लेंथ तो हमें पता चलेगा कि कितने यूज़र्स कनेक्टेड है, ठीक है। और अब क्या करो, फिर क्या करूँगा मैं, एक काम करूँगा, फिर मैं करूँगा क्या, नोटिफाई करूँगा द आर ई सी आई पी आई ई एन टी अबाउट द न्यू यूज़र, ठीक है। अब मैं बेसिकली कैसे करूँगा कि इफ़ मेरे यूज़र्स ऑब्जेक्ट के अंदर आर ई सी आई पी आई ई एन टी रेसिपिएंट ईमेल है, ठीक है, अगर मैं यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर रेसिपिएंट ईमेल है, तब क्या करूँगा मैं, तब मैं नोटिफाई बोथ द सेंडर एंड द आर ई सी आई पी आई ई एन टी दैट द चैट इज इन ई टी आई इनिशिएटेड। अब मैं सेंडर को, जैसे अगर इस यूज़र के अंदर की और आई डी है, तो मैं सेंडर और ईमेल को क्या बोलूँगा, ये करूँगा मैसेज, मैं बोलूँगा क्या आयो। देखो बेसिकली क्या होता है, आयो मतलब एक सर्किट होता है, और ये आयो मतलब एक सर्वर, ठीक है, और एक सर्वर के अंदर मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, तो ठीक है, जब मैं आयो बोलूँ ना, तो आयो मतलब एक सर्किट सर्वर भेज रहा है समझो, और सॉकेट बोलूँ तो एक इंडिविजुअल जो कनेक्ट हुआ है वो, ऐसे समझो, ठीक है। तो सॉकेट ओके मतलब जो आयो होता है, आयो डॉट टू करो, मतलब सर्वर टू मतलब किसको करना है, तो यूज़र्स में से जो रेसिपिएंट ईमेल है, ठीक है, उसको इमिट करो क्या, चैट इनिशिएटेड ये करो, और क्या करो उसमें recipient ईमेल, जो भी रेसिपिएंट का ईमेल ग्रैब कर रहा है बेसिकली उसको ये इमिट करो, ठीक है मतलब यूज़र्स में, अगर देखो सिंपल बात है, मेरे इसमें जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड है, तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरे यूज़र्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैं रेसिपिएंट का ईमेल ग्रैब करो वो अगर है प्रेजेंट, तो क्या कर, पहली बात तो मैं दोनों को भी भेजना चाहूँगा कि हाँ ये भी कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है, तो मैं बोलूँगा कि आयो डॉट टू यूज़र्स और रेसिपिएंट ईमेल में क्या भेज दो, रेसिपिएंट ईमेल चैट इनिशिएटेड, मतलब भाई चैट इनिशिएटेड है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आयो डॉट टू यूज़र्स डॉट, बेसिकली यहाँ पे सेंडर ईमेल, क्योंकि देखो सिंपल है, और यहाँ पे एक सेंडर ईमेल आएगा बेसिकली, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि रेसिपिएंट मतलब सामने वाले को भेजो कि मैं कनेक्टेड हूँ चैट इनिशिएटेड, और मतलब मेरा ईमेल भेजो और मेरे को सामने वाले का भेजो, ठीक है, दैट्स द थिंग सिंपल बात, सिंपल है। अगर वो समझो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कर दो, तो मैं बोलूँगा कि हैंडल ऑफलाइन यूज़र, तो कैसे हैंडल करूँगा, मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट लॉग सर्वर में करूँगा मेरे खुद के लिए,
और इधर। तो मैं क्या बोलूँगा कि यूज़र यूज़र विथ रेसिपिएंट ईमेल इज़ ऑफलाइन, ठीक है, ये करूँगा। और मैं बोलूँगा क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लाइंट को भी नोटिफाई कर देता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन। तो मैं क्या बोलूँगा कि आयो डॉट टू, किसमें यूज़र्स में जो सेंडर ईमेल है, भैया मतलब रेसिपिएंट का मैं सेंडर को करूँगा, सेंडर का मैं रेसिपिएंट को करूँगा, तो दैट्स द गेम। ईमेल, ठीक है, उसको डॉट एमिट करो, डॉट इमिट करो। क्या इमिट करना है भाई? इमिट ये करना है कि इमिट मतलब बताना, तो इमिट क्या बताओ? तो अगर मतलब बेसिकली रेसिपिएंट ऑफलाइन करके एक इवेंट है, और ये अब ये जो भी इवेंट्स है, लाइक चैट इनिशिएटेड, रेसिपिएंट ऑफलाइन, इनिशिएट चैट, ये सब क्या है? ये सब इवेंट्स है, ठीक है, कूल, चलो अच्छी बात है। अब ये सब क्या, ये सब कब होगा? जब इनिशिएट चैट होगा तब, ठीक है। इसके अंदर अब हम कुछ और चीज़ करते हैं, मतलब मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा स्पेस करता हूँ, स्पेस करता हूँ, रुको रुको देखने दो कहाँ पे। हाँ यहाँ पे बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हैंडल सेंडिंग मैसेज, हैंडल द सेंड मैसेज, हैंडल मैं सिंपल इतना लिखूँगा, हैंडल सेंडिंग मैसेजेस। अब मैं सेंडिंग मैसेज हैंडल, अब लोगों सॉकेट डॉट ऑन, मतलब ठीक है, अगर कोई भी सॉकेट अगर सेंड मैसेज, सॉकेट मतलब क्या, मेरा यूज़र जो क्लाइंट मेरा कनेक्टेड है, कोई भी सॉकेट अगर इस इवेंट पे अगर कॉल लगाता है, इस इवेंट पे कॉल लगाता है, तब हमें मिलेगा डेटा। लेकिन इस डेटा से हम क्या करेंगे, हम सेंडर ईमेल और रेसिपिएंट ईमेल जो भी है और मैसेज, तीनों भी ग्रैब करेंगे, ठीक है। चलो इतना बात आपको समझा? यस समझ गया। अब जैसे ही मैं सेंड ईमेल, मतलब सॉकेट जब भी इस इवेंट पे कॉल करेगा, तो हम उससे डेटा लेंगे, और उस डेटा से सेंडर ईमेल, रेसिपिएंट ईमेल और मैसेज डिकोड करके लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेंड द मैसेज टू रेसिपिएंट, सिंपल, सेंड द मैसेज मैसेज टू द रेसिपिएंट स्लैश रिसीवर, RECIVER। अब रिसीवर, रिसीवर मतलब रेसिपिएंट, समझ गया ना, सामने वाला बंदा। तो पहले तो मैं भाई खुद के लिए कंसोल डॉट लॉग करके रख रहा हूँ, आप बाद में सभी कंसोल्स हटा देना, कंसोल डॉट लॉग्स हटा देना बिल्कुल। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं सेंडर ईमेल, रेसिपिएंट ईमेल और मैसेज को करूँगा, सो दैट मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। और अभी मैं चेक लगाता हूँ कि इफ़ मेरे यूज़र्स के अंदर रेसिपिएंट ईमेल नाम का कुछ है, इफ़ है रेसिपिएंट ईमेल है मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तब क्या करो, तब मैं सेंड द मैसेज ओनली टू द, तो रेसिपिएंट ईमेल है, तब क्या कर दो, ये सेंड मैसेज ईमेल के ना। अब बेसिकली मैं ऑन, एक क्या मालूम है, ये ऑन इवेंट क्यों लगा रहा हूँ मैं ना, स्पेसिफिक यूज़र को भी भेज सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, हमें अभी के लिए अपना चैट और दूसरे का चैट, मतलब सामने वाले का चैट, दोनों के ऊपर भी ट्रैक रखना है ना अपने एप्लीकेशन में। अपने को क्या दिखाने का है, अपना चैट जो है वो राइट में रहेगा, दूसरे का चैट जो है लेफ्ट में रहेगा, अपने को वो दिखाने का है। तो उसके लिए मैं ये इवेंट ट्रिगर कर रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली टू इवेंट ट्रिगर करते हैं, ठीक है, टू इवेंट ट्रिगर करते हैं, बट हम अभी ये करेंगे। मैं सिंपल सा इतना बोल रहा हूँ कि अभी देखो, आईओ डॉट टू मतलब आईओ डॉट टू किसको, यूजर्स में से जो रेसिपिएंट ईमेल है, रेसिपिएंट ईमेल है उसको क्या इमिट करो, इमिट किस पे करो, ये पहले इमिट करो, लेकिन कौन से इस पे करो, तो RECIVE रिसीव डबल एस मैसेज, इस पे करो, इसको क्या बोलते हैं, इस इवेंट पे क्या करो, इस इवेंट पे तुम ये ईमेल करो कि सेंडर का ईमेल कौन सा है और मैसेज क्या है, ठीक है। ये अब यही जाके अपन मालूम है ना ऊपर टारगेट करते हैं, हाँ, तो दैट्स द थिंग, हमने मालूम है ना इसके बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा जो चीज़ है, लाइक मैसेजिंग सिस्टम, वो हैंडल किया है। तो यस डॉट टू हो गया, यस। अब एल्स,
अगर ऐसा नहीं है, अगर वो रेसिपिएंट ईमेल नहीं है तब क्या करें? तब हम क्या करेंगे, सेम हैंडल ऑफलाइन यूज़ करेंगे, वो ऑफलाइन है करके मुझे बताओ और मैं बताऊंगा क्या किसको रेसिपिएंट इज़ ऑफलाइन, पे सेंडर रेसिपिएंट इज़ ऑफलाइन, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि आई डॉट टू यूज़र्स एंड और रेसिपिएंट ऑफलाइन पे ये रेसिपिएंट, मतलब बेसिकली क्या यूज़र्स में से अगर सेंडर ईमेल है तो क्या करो, उसको एमिट कर दो क्या, मतलब यूज़र्स के जो सेंडर ईमेल है उस पर एमिट करो रेसिपिएंट ऑफलाइन इवेंट पे ईमेल, सिंपल इतना ही बात है, ठीक है? अब देखो यार ये चीज़ अगर आप एज अ बिगिनर देख रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि मैंने एक चैट ऐप बनाया था, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ चैट ऐप देखो, और अगर आपको एक अच्छा सा चैट ऐप और एडवांस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, बिकॉज मेरा एक प्लान चल रहा है एंड आई होप आपके लाइक्स उस प्लान को इनिशिएट करने के लिए मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है? अब देखो सॉकेट का कनेक्शन बन गया, ये हैंडलिंग मैसेज हो गया, मैं अब क्या करना चाहूँगा कि अगर मेरा सॉकेट डिस्कनेक्ट होता है तो क्या करूँ, तो वो भी एक मैं इवेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा हैंडल डिस्कनेक्ट इवेंट, और मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट ऑन और बोला डिसकनेक्ट ई सी टी डिसकनेक्ट, ओके ऑन डिसकनेक्ट जब भी होता है तब ना एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न हो, ठीक है? और उस कॉल बैक फंक्शन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा मेरे खुद के लिए कि सॉकेट डॉट आई डी में से करूँगा SOCKET और डिसकनेक्टेड है ये करूँगा मैं, ठीक है? और मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द, मतलब अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मैं यूज़र से वो सॉकेट रिमूव करूँगा ना, रिमूव द सॉकेट डॉट आई डी, अच्छा सॉकेट आई डी मैं ऐसे लिखता हूँ फ्रॉम द यूज़र ऑब्जेक्ट, कुल मतलब अगर मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं यूज़र्स ऑब्जेक्ट के अंदर रुक के क्या करूँ, बराबर ना? क्योंकि मेरे यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर कौन है, जो मेरे यूज़र्स ऑनलाइन है वो, दैट इज़ द थिंग, मतलब कॉन्स्ट ई मेल मतलब ऑब्जेक्ट डॉट कीज किस में से, यूज़र्स यूज़र्स ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है? उसमें फाइंड करो क्या, फाइंड करो ऐसी की, और वो की क्या होगा कि जो यूज़र्स की है, मतलब यूज़र की मतलब कैसे लिया आएगा, यूज़र जैसे मैप मेथड में हमारा एक एक एलिमेंट आता है, वैसे फाइंड से हमें यूज़र्स में जो की है, लाइक हमारे की में एक्चुअली क्या है, यूज़र्स का हम लोग ईमेल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ईमेल जो भी ईमेल है मतलब यूज़र्स के अंदर जो भी ईमेल है वो ट्रिपल इक्वल टू है सॉकेट डॉट आई डी से, ठीक है? तो इफ ईमेल है तब क्या करो, तब डिलीट करो क्या यूज़र्स में से ईमेल, और डिलीट एक ऑब्जेक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये फंक्शन आपने कहाँ बनाया, ठीक है? दैट्स इट, दैट इज़ इट। अब हमारा बैक एंड ऑलमोस्ट लिख के हो गया, नाउ लेट्स कनेक्ट इट विथ फ्रंट एंड, ठीक है? अब फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है यार, क्योंकि अभी जो भी है वो एक यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल होगा, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मैं हैंडल्स एंड मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ, और यूज़ इफेक्ट जो है मैं खुद से बनाऊंगा, यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन है, ठीक है? मैं काम करता हूँ यूज़ इफेक्ट का स्निपेट लाऊँ क्या, चलेगा? छोड़ो ना यार, एक डिपेंडेंसी आ रहा है। अब एक बात बताता हूँ कि ये जो डिपेंडेंसी आ रहा है उसमें पूरा का पूरा सॉकेट हैंडल करने वाला, सॉकेट के जो भी मेरे मेथड्स है वो हैंडल करने वाला, और वो मेथड्स और ये जो यूज़ इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो सॉकेट के ऊपर डिपेंडेंट है और एक मेरे यूज़र के ईमेल से, यूज़र के ईमेल के ऊपर डिपेंडेंट है। यूज़र का ईमेल मतलब मेरा मेरा जो भी डेटा है, तो मतलब कैसा, मेरा जो डेटा है वो, मेरा डेटा चेंज होगा तो सॉकेट का यूज़र इफेक्ट भी, यूज़ इफेक्ट भी हैंडल होगा, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ इजी वे में आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? देखो अभी तक हमने कौन से इवेंट्स बनाए थे, तो अभी तक हमने सॉकेट में कौन से इवेंट बनाए थे, देखो मैंने सॉकेट में, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इवेंट है उसको छोड़ो, मैंने वेलकम इवेंट लगाया था, इनिशिएट चैट इवेंट लगाया था, फिर मैंने चैट इनिशिएटेड लगाया था, फिर मैंने रेसिपिएंट ऑफलाइन लगाया था, और मैंने सेंड मैसेज लगाया था, रिसीव मैसेज लगाया था, रेसिपिएंट ऑफलाइन लगाया था, तो ये सब इवेंट्स है, डिसकनेक्टेड लगाया था। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली आपको बताता हूँ, मैं इस पे कुछ इवेंट्स लिखूँगा, ठीक है? देखो कैसे कैसे लिखता हूँ मैं, सॉकेट सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है? ऑन
मैं यहाँ पे पहले ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वेलकम वाला मैसेज लगाता हूँ, ठीक है। वेलकम मैसेज में जो भी डेटा आएगा ना, उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, अलर्ट करूँगा और आपको डेटा दिखाऊँगा, सिंपल अलर्ट, अलर्ट डेटा, ठीक है, अलर्ट करके डेटा दिखाऊँ। अब यार मेरी एक बात देखो, जब भी आप सॉकेट का कोई भी इवेंट फायर कर रहे हो ना, तो उस यूज इफेक्ट में, तो उसको कभी भी एक आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। ये रिटर्न मतलब ये क्या है, ये डिटैच करता है, जैसे कि ये क्लीन अप फंक्शन है ना, यूज ये आपके यूज इफेक्ट में क्लीन अप फंक्शन बड़ा होगा, बेसिकली क्लीन अप फंक्शन है, मतलब अगर आपका कनेक्ट हो रहा है तो डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको सॉकेट में क्लीन अप फंक्शन में कुछ ऐसे देता हूँ, ठीक है, और ये इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करो, सॉकेट डॉट ऑन है तो सॉकेट डॉट ऑफ भी करो, सॉकेट डॉट ऑफ वेलकम करो, ठीक है, सिंपल सा चीज़। और लिसनर लगाऊंगा, तो अगर मैं एक लिसनर लगाऊंगा, लिसनर मतलब ये चीज़, जो भी चीज़ ऊपर लिखी है वही, वो लिसनर डेटा, और मैं लिखूँगा अलर्ट डेटा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन रुको थोड़ा देर रुको, आप समझ जाओगे। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, देखो वेलकम टू द चैट सर्वर, और मेरी आईडी है वो, ठीक है, जो भी मेरी आईडी आ रही है वो दिख रही है, देखो। ओके, अगर मैं एक बार इकरे से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो वेलकम टू चैट सर्वर, क्योंकि मेरा आईओ रन हो रहा है ना, तो वहाँ पे देखो दो दो आईडीज वापस वापस है, ऐसा स्ट्रिक्ट मोड चालू है इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए ना आप, तो ये देखो, ये अभी समझो, मैं यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में देखो, क्योंकि देखो ये वेलकम टू द चैट सर्वर ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, वेलकम टू चैट सर्वर, और हमारी आईडी आ रही है, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग, ठीक है, दैट्स द थिंग। मैं एक बार वापस से दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मेरा सॉकेट आयो कनेक्शन बनाता है, और देखो मुझे एक सर्वर से मैसेज मिलता है कि वेलकम टू चैट सर्वर, ये कूल, बस दैट्स इट। अब हम इस वेलकम इवेंट को कैंसिल कर देते हैं, ये आप अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए रखो। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अगर ये है ना डेटा, मैं ना ये चीज़ यहाँ लिखने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लिव इवेंट लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कॉन्स वेलकम इज इक्वल टू, और उसके आगे ये चीज़ लगा देता हूँ, क्योंकि फंक्शन है ना, ये फंक्शन है और एक एक लाइन का काम है, तो मैं उसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर के नहीं, मेरा एक लाइन का काम है ना, तो कॉल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन वेलकम कॉल कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे भी, क्योंकि ये सेम है ना, तो यहाँ पे सिर्फ वेलकम कॉल। तो कैसे ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इवेंट हैंडलर बराबर से, ठीक है। अब देखो अगर मैं वैसे करूँगा, सेम काम कर रहा है, देखो सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम काम, ठीक है। तो हम ऐसे एक चीज़ देते हैं, ठीक है। अभी सॉकेट डॉट ऑन देखो, अगर मैं इसके ऊपर बोलूँ तो सॉकेट डॉट ऑन के पास देखो क्या क्या होता है, एक तो लिसनर होता है, ठीक है, ये कौन सा लिसनर, और उससे एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है, वो चीज़। चलो अब बाकी के इसके लिए करते हैं, तो हम अब क्या करते हैं, ये चीज़ को छोड़ देते हैं, मैं इसको हटाऊंगा, और मैं इसको, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों को हटाऊंगा। अब मेरा पहला इवेंट होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, मेरा पहला इवेंट होगा कनेक्ट, कनेक्ट, और कनेक्ट के लिए कनेक्ट ये कॉल होगा, और मैं जैसे सॉकेट का ये करूँगा, मैं सॉकेट को बंद भी करूँगा, मतलब जैसे ही चले जाए, पेज रिलोड हो जाए, तो कैसे ये कनेक्शन निकल जाए, अभी कनेक्ट, ठीक है। अब कनेक्ट क्या है, कनेक्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं बोलूँगा, मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, ऑन कनेक्ट करके, कॉन्स्ट ऑन कनेक्ट करके लॉजिक लिखता हूँ, ऑन कनेक्ट करके लॉजिक लिखता हूँ, और यहाँ पे ऑन कनेक्ट, और ये यहाँ पे देखो, तो जैसे सॉकेट जब कनेक्टेड कनेक्ट हो ना, ऑन कनेक्ट, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, या फिर ये करेंगे कुछ ऐसे, मैं एक लाइन में एक कोड लिखता हूँ अभी के लिए, मैं लिखता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूँगा कनेक्टेड, कनेक्टेड टू सॉकेट डॉट आई डी। अब कनेक्ट करके कुछ फंक्शन है क्या, अब ये फंक्शन जो है वो मुझे
इस आयो करेक्शन के बारे में बताएगा, लेकिन इनका मुझे कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं मेरे इसके लिए रखता हूँ इसको ऑन कनेक्ट, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या होगा, देखो मैं ऐसा करूँगा ना, तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब अलर्ट वाला अभी तक गया नहीं है क्या? हाँ गया, अभी देख जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो मेरा सॉकेट मुझे भेजेगा, देखो उससे प्रॉब्लम है। डज द फाइल एग्जिस्ट? यस, एग्जिस्ट करती है फाइल। कुछ तो इशू हुआ, आई गेस कुछ तो इशू हुआ। गाइज मैं ज़रा इसको देख के आता हूँ, थोड़ा सा इशू क्या है, मैं देख के आता हूँ इशू क्या है। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको रिस्टार्ट करता हूँ, npm रन dev करता हूँ। शायद मेरा हार्ड डिस्क का कुछ इशू हो रहा है, कि मेरा कूल पे रन हुआ ये, और ये क्या बता रहा है? रुको मेरे को एक बार पढ़ने दो, क्या प्रॉब्लम है कि फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट मोंगूज। अच्छा मैंने कहीं पे मोंगूज, ओ शेट, मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट को ऐसे बुलाया, और क्योंकि मोंगूज मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है तो वहाँ से कनेक्ट आ गया, ठीक है। देखो मैंने पहले कनेक्ट फंक्शन बनाया था वो, देखो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ, आप देख रहे हो गाइस, ठीक है। तो देखो कनेक्टेड टू ये आया, मतलब ये बेसिकली सॉकेट है। तो मैंने बोला कि सॉकेट अगर कनेक्ट है, ऑन कनेक्ट, अगर मतलब अगर कनेक्ट इवेंट लिसन कर रहा है, कनेक्ट इवेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, ऑन कनेक्ट, तो ये फंक्शन रन हो, ठीक है, दैट्स इट। मैं ऐसे सेपरेटेड रखाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक चीज़ और एक बना रहा हूँ, अगर कनेक्ट बना रहा हूँ तो मैं सॉकेट डॉट ऑन डिसकनेक्ट भी बनाता हूँ, डिसकनेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और डिसकनेक्ट बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल से ऑन डिसकनेक्ट, ठीक है, ऑन डिस्कनेक्ट बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉन्स्ट ऑन डिस्कनेक्ट इज इक्वल टू, एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग होगा, कि एक सिंपल सी बात कि डिस्कनेक्टेड को सनेशन, हाँ ये। अब मैं ऑन डिस्कनेक्ट, मैं बेसिकली ये सब चीज़ मैं सेम टू सेम रेप्लीकेट करता हूँ, अल्ट और शिफ्ट दबा के, और उसको अल्ट 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 दबा के नीचे लेके आता हूँ। अब जहाँ पे ऑन लिखा है सिंपली क्या करो, वहाँ पे ऑफ कर दो। चलो ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा मेन चीज़ पे आते हैं, क्या कौन सी मेन चीज़ पे भाई? वही रिसीव रिसीव मैसेज और रेसिपिएंट ऑफलाइन। तो देखो भाई पहली बात, मैं क्या करता हूँ, रिसीव मैसेज से पहले एक इवेंट आपको ट्रिगर करके देता हूँ, दैट इज़ इनिशिएट चैट का, क्योंकि आपको पता है कि इनिशिएट चैट पे क्या हो रहा था। देखो इनिशिएट चैट पे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने रेसिपिएंट ईमेल को सेट किया और टोस्ट द सक्सेस किया कि मेरे भाई देख मैं चैटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये करता हूँ, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरा इनिशिएट चैट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्यों? मेरा इनिशिएट चैट ही ऐसा इवेंट है जो कि मेरे यूज़र्स के अंदर मुझे रजिस्टर कर रहा है, मेरे यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको पहले ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ट्रिगर करेंगे कैसे, ट्रिगर करेंगे हम बोलेंगे कि सॉकेट तुम इमिट करो, ओके इमिट करो इस इवेंट पे, इनिशिएट इनिटिएट इनिशिएट चैट इस इवेंट पे तुम इमिट करो, ठीक है। और क्या इमिट करो वो मैं आपको बताता हूँ, सेंडर ईमेल है, कौन सा ईमेल, मेरे जो यूज़र का ईमेल है वो, यूज़र का कौन सा, जो अभी साइन अप हुआ ना, जो जिसके थ्रू तुम मैसेज वगैरह भेजोगे वो। और रेसिपिएंट ईमेल है वो ईमेल जो तुम यहाँ से ग्रैब करो, या फिर रेसिपिएंट ईमेल से, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि आखिरकार हम इनिशिएट चैट इससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा ईमेल है, रेसिपिएंट का ईमेल, ठीक है। अब ये इमिट होने के बाद काम भारी होगा, देखो अभी क्या होगा,
जैसे ही इनिशिएट चैट होगा इवेंट, तो चैट इनिशिएट अगर इस ईएम पे कोई लिसन कर रहा होगा तो उसको मिल जाएगा। इस इवेंट पे अगर लिसन कर रहा होगा, मैं काम करता हूँ, लेकिन क्या ही, मेरा अभी रेसिपिएंट कनेक्टेड भी नहीं है ना, तो ठीक है चलो अभी ये करके रखता हूँ, बाद में देखता हूँ। इनिशिएट चैट, ये इवेंट। अब बात करते हैं सेंड मैसेज की। इनिशिएट चैट किया, अब आप मैसेज सेंड करोगे। मैसेज कहाँ पे, इनपुट पे टाइप करके सेंड करोगे। तो मैं बोलूँगा कि देखो क्या करो, जब भी आप हैंडल मैसेज के ऊपर क्लिक करो, मतलब जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करो, सॉकेट डॉट इमिट करो, कहाँ पे, इस इवेंट पे, जो इवेंट है सेंड मैसेज, ठीक है, उसके पास एक ऑब्जेक्ट जाए। एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, सेंडर ईमेल है, जिसमें यूज़र का ईमेल है, रेसिपिएंट ईमेल है, रेसिपिएंट ईमेल में कौन सा, रेसिपिएंट ईमेल ही है, ठीक है। देन मैं बोलूँगा मैसेज मेरा कौन सा है, जो इनपुट मैसेज में मेरा इनपुट मैसेज वो है, ठीक है ये। अब ये सब होने के बाद क्या करो, सेट मैसेजेस करो। सेट मैसेजेस क्या करो, जो भी प्रीवियस मैसेजेस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, आप ऐसे भी करें, प्रेव मैसेज, प्रेव, ठीक है, ये प्रीवियस मैसेजेस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या करो तुम, बेसिकली उनको तो तुम देखो, उनको तो तुम प्रिजर्व करो ही, डॉट डॉट डॉट, उनको तुम प्रीवियस मैसेजेस है उनको करो ही, और उसमें ये जो है नया चीज़ वो ऐड कर दो, मतलब नया ये मैसेज है वो ऐड करो। मैसेज क्या है, मेरा इनपुट डॉट मैसेज और सेंडर ये। अगर आपको ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है, सिर्फ ऐसा एरे देना है, ठीक है। अब ऐसा एरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई प्री मैसेज क्या है, मैसेजेस ये है आपके, ठीक है, आपके स्टेट्स में ये मैसेज है, ठीक है ये। तो आप ये भी करो, अगर आप ऐसे करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वैसे करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट वो एक थोड़ा न्यू मेथड बता रहा था मैं आपको। आपको बेसिकली क्या करना है, एक एरे में आपकी जो पुराने एरे है मैसेजेस, वो तो स्टोर करनी ही है, ऊपर से उसमें एक और मैसेजेस स्टोर कर देना है, ठीक, ये मेथड है। लेकिन ये ऐसा भी है, क्योंकि सेट मैसेजेस रिटर्न क्या करता है, ये एक वो मतलब जो भी स्टेट है सेट मेथड मैसेज, जो भी ये अपडेट्स ये वाला वेरिएबल है, वो उसके अंदर क्या रिटर्न करता है, उसका प्रीवियस डेटा है वो रिटर्न ही करता है। तो इसलिए मैंने कुछ ये ऐसे ही किया है, ठीक है। आई गेस ये बात सिंपल और सोबर रहेगी आपके लिए। जैसे ही ये हो जाए, मैं करूँगा सेट इनपुट मैसेज, जो भी है सेट इनपुट एम इनपुट मैसेज जो भी है, किधर गया ये, हाँ उसको नल कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली सेंड करने के बाद मैं थोड़ी चाहूँगा मैसेज रहे। अब देखो मैसेज मैंने सेंड किया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रिसीव मैसेज वाला एक इवेंट लिखता हूँ, ठीक है, रिसीव मैसेज वाला भी इवेंट लिखता हूँ। तो मैं बोलूँगा सॉकेट, सॉकेट डॉट ऑन क्या है भाई, CEIP रिसीव ME, लेकिन देखो नाम बराबर लिखना है यहाँ पे, रिसीव मैसेज पे जो भी इवेंट है उसमें ऑन रिसीव मैसेज करके कुछ फायर करो। अब ऑन रिसीव मैसेज एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट ऑन रिसीव मैसेज, और यहाँ पे ये कह रो फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली ऑन रिसीव मैसेज आपका क्या करेगा, आपका ऑन रिसीव मैसेज, ठीक है, आपका ऑन रिसीव मैसेज क्या करेगा, एक मैसेज लेगा, ठीक है। मैसेज मतलब क्या, जो भी डेटा आप पास कर रहे हो, ठीक है। ऑन रिसीव मैसेज, देखो रिसीव मैसेज पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। रिसीव मैसेज किधर है भाई, रिसीव मैसेज, रिसीव मैसेज पे क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, इस डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज अ डेटा मिल रहा है, और उसमें सेंडर ईमेल और मैसेज है। तो देखो जब मैं ऑन मैसेज करूँ, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, सेट मैसेजेस क्या करूँगा, कि जो भी मेरे प्रीवियस मैसेज है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें
ये जो नया मैसेज है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ कूल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैं ये जो मैसेज वाला चीज़ है ना, उसमें मैं और एक बार क्या कर रहा हूँ, उसमें और एक बार थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करूँगा, और मैं बोलूँगा कि मेरे डॉट 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 मेरे सब मैसेजेस जो जाए, ठीक है, और उसके अंदर फिर सेंडर ईमेल में क्या हो, मेरा जो मैसेज डॉट सेंडर ईमेल और यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा चीज़ है, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे डॉट ईमेल, ठीक है। बात क्या कि सब मैसेज रखो और नया मैसेज ऐड करो। अब नया मैसेज ऐड करो तो उसमें क्या करो, पुराना मैसेज तो रखो और सेंडर ईमेल क्या कर दो कि एक तो मैसेज और सेंडर ईमेल कर दो, या तो रिसीव ईमेल। ये बेसिकली क्यों कि समझो अगर कुछ रहे नहीं रहेगा मैसेज में तो ये काम आएगा, ठीक है, समझ सकते हो। अब मैं इसको सिंपल वर्ड्स में काम कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ये ब्रैकेट्स हटा सकता हूँ, तो ये कैसे वन लाइनर बन जाएगा, ठीक है, वन लाइनर बन जाएगा ये। अब इसको ऐसा कंट्रोल बी करो या इसको फॉर्मेट करोगे ना प्रॉपरली, ये वन लाइनर कोड है वैसे, बाय द फॉर्म बाय द वे वन वन लाइनर कोड है। मैं इसको कुछ थोड़ा सा ऐसा ये करता हूँ, प्रीव्यू मैसेज, देखो ये वन लाइनर कोड बन गया। मैं इसको कंट्रोल ऑफ एफ ही करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहे। चलो रिसीव मैसेज में क्या हो रहा है, देखो पहली बार मतलब जो भी मैसेजेस है, मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, जो भी मेरी मैसेजेस है, छोड़ो मैं आपको समझ ही गया वैसे भी, अभी आपको बता के कुछ फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। ऑन रिसीव मैसेज, और जैसे मैंने ऑन रिसीव मैसेज ये किया ना, रिसीव मैसेज वाला सॉकेट ऑन, तो मैं इसको ऑफ भी करूँगा, ठीक है, ऑफ भी करूँगा, कूल, आई डिड इट। मैं इसको ऑफ किया, एंड अब क्या, अब बचा एक रिसीव, मैं बोलता हूँ मुझे एक सॉकेट, सॉकेट डॉट ऑन, और कहाँ पे, RECIPIENT, रेसिपियंट ऑफलाइन एक इवेंट है, ठीक है, रेसिपियंट ऑफलाइन आता है क्या, तो उसमें बोलेंगे ऑन RECIPIENT, RECIPIENT ऑफलाइन, तो ये ट्रिगर हो जब रेसिपियंट ऑफलाइन हो तो जब रेसिपियंट ऑफलाइन हो तो बेसिकली क्या हो जाए, कॉन्स्ट ऑन रेसिपियंट ऑफलाइन, ठीक है, ऑन रेसिपियंट ऑफलाइन हो तो एक ईमेल मिले, ठीक है, जो होगा वह रेसिपियंट का ईमेल, और मैं बेसिकली क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा टोस्ट, यहाँ पे जो भी ईमेल मिल रहा है ना मुझे रेसिपियंट ऑफलाइन के बाद, वो मेरा किसका ईमेल है, वो मेरा RECIPIENT रेसिपियंट का ईमेल है, ठीक है ठीक है। मैं ऐसा लिख ही रहा हूँ, ठीक है, मेरा समझने के लिए, रेसिपियंट ईमेल है, और मैं यार सिंपल क्या करूँगा, टोस्ट, मैं इसको ऐसे भी क्यों लिख रहा हूँ, अगर मेरे को एक लाइन में लिखना है तो मैं टोस्ट डॉट एरर दिखाऊंगा, और उसको सिर्फ इतना बताऊंगा कि थोड़ा सा ऐसा करके डॉलर साइन एन एल से कि RECIPIENT रेसिपियंट ईमेल इज ऑफलाइन, डूड ऑफलाइन, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये भाई ये एंड यहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली बन गया, ये वन लाइनर कोड है सिंपल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जब ये क्लीन अप फंक्शन में ऑफ करके भेज दूँगा। चलो अब हम जो भी हरकत करेंगे सब हमारा ट्रैक रहेगा, कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कनेक्टेड टू वगैरह सब आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा किसका है, हेल्पर का, ठीक है। अब मेरे पास एक हैकर का है और एक Coder29 का है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हैकर करके एक प्रोफाइल बनाता हूँ। सो मेरे पास ऑलरेडी प्रोफाइल है हैकर करके, लेकिन
और इसको मैं ऐसा साइड में रखूँगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये उसमें कुछ, देखो कंसोल में देखो, थोड़ा ऐसे बी एल एल नल, अच्छा बी एल एल टोकन अभी इसका नल आ रहा है अभी। अच्छा ये कॉल हुआ ना, तो इसका बी एल एल टोकन नल है तो आगे रुका होगा। ठीक है चलो, इसको लॉग इन कर रहा हूँ और इसको मैं अच्छा हैकर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम कर रहा हूँ, और 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरी एक बात देखो, लॉग इन करो, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ रहा है हैकर वाला, ये वाला। अब मैं प्रोफाइल्स को चेंज कर सकता हूँ, देखो लाइक मेरे को ये, मैं इसको लाइक करूँगा, इस कोडर 29 को भी मैं कर सकता हूँ लाइक, या फिर लॉग हैकर को भी मैं लाइक करूँगा। अब हम दोनों म्यूचुअल फ्रेंड बन गए, अब हम दोनों दोनों ने भी एक दूसरे को पसंद किया, फ्रेंड्स बन गए। हम चैट्स में आऊँगा और चैट्स में आऊँगा, देखो इसके पास हैकर है, इसने खुद के प्रोफाइल को कब लाइक किया? इसका खुद का प्रोफाइल वैसे आया ही क्यों? थोड़ा सा कोड में कुछ ग्लीचेस रहेगा, मैं देखता हूँ, सुधारता हूँ। खुद के प्रोफाइल को लाइक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोडर 29, लेकिन मेरे को ये प्रोफाइल तो मिली ही नहीं। चलो मैं काम करता हूँ, मैं चैट्स के पास आता हूँ, न्यू के पास आता हूँ, मैं पैसा वाला प्रोफाइल दूँ ना, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलो क्या है, इसको क्लोज करता हूँ, इसको इसको ये आ रही क्यों है, वापस से क्यों आ रहे भाई? मैंने कोड प्रॉपरली नहीं किया, हैकर भी मुझे नहीं चाहिए, न्यू टेस्टर नहीं चाहिए, डिओटो नहीं चाहिए, कुछ तो शॉर्ट है, कुछ तो शॉर्ट है। तो लॉग आउट करता हूँ एक्चुअली प्रोफाइल को, और मैं देखता हूँ कि क्या मेरे कोड में कहीं एरर्स है, लाइक चैट्स में अगर मैं देखूँगा तो मुझे फ्रेंड्स नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे मेरा जो मेन पेज है, मैं थोड़ा सा ना देख के आता हूँ कि क्या ग्लिचेस है, कुछ कुछ ग्लिचेस है क्या। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों। क्या है कि गेट यूज़र जो फंक्शन है ना, वो मेरे इस यूज़र पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ये चीज़ मैंने यहाँ पे उसको बताई नहीं, एंड वो रायता फैलाते गया। अब मैं कोड डेट मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ठीक है मैं एक बार लॉग इन करता हूँ, और मैं मेरे इसमें कोडर है ना, मैं कोडर 29 वाले प्रोफाइल से लॉग इन करता हूँ, तो मैं coder@test.com, ठीक है test.com से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, मेरा कोडर का प्रोफाइल बन गया। अब मैं राज पटेल, मैं इसको रिजेक्ट करना चाहूँगा कोडर 29, इसको मैं, ये मेरा खुद का प्रोफाइल है, क्यों दिख रहा है? लेकिन बराबर काम नहीं किया, हाँ बराबर अभी दिखेगा नहीं वो, ठीक है थोड़ा बहुत उसमें कर रहा था। हैकर मैं कर सकता हूँ, न्यू टेस्टर मैं क्लोज कर रहा हूँ, डिओटोन और ठीक है चल चलेगा क्लोज, लेकिन मेरा नया ये प्रोफाइल क्यों नहीं दिख रहा यार? देखो एम्प्टी प्रोफाइल आ रहा है, आई वॉन्ट दिस दिस दिस। टेस्टर वाला क्यों नहीं आ रहा है? ये टेस्टर वाला इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज हमने वापस से वही काम किया, एक गलती, वो है इसको 0 से, क्योंकि वैसे भी हम लोग वहाँ पे फिल्टर कर रहे थे यूज़र के नाम से, तो वापस से मुझे क्या ज़रूरत ही नहीं ना। देखो अभी टेस्टर आ रहा है, ठीक है क्यों? क्योंकि टेस्टर जो था मेरे 0th इंडेक्स पे था और नहीं आ रहा था। ये ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है और आपको डिबग करना पड़ता है। अब क्या होगा, क्योंकि क्योंकि टेस्टर हमारे पहले 0th इंडेक्स पे था, हमारा पहला वाला पहले वाले से ही सब लोग आ रहे थे, तो अगर समझो मैंने टेस्टर को लाइक किया एंड सी क्या हुआ कि टेस्टर को लाइक करने के बाद इसके आगे कुछ है नहीं, तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास टेस्टर है और मेरे पास कोडर 29 है, ठीक है, हैकर दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। अभी देखो मैंने टेस्टर को लाइक किया है, मतलब इस प्रोफाइल में टेस्टर ने कोडर को लाइक किया है और कोडर ने टेस्टर को लाइक किया, मैं टेस्टर पे हूँ चैटिंग विद टेस्टर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंसोल में एक चीज़ बताता हूँ, कंसोल में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो इसको मैं ऐसे करूँगा, या फिर मैं इस टर्मिनल को क्या कर सकता हूँ, मैं इस टर्मिनल को कम्प्लीटली यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा टर्मिनल, अरे यार ये टर्मिनल नहीं चाहिए था, मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा पहला टर्मिनल है उसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस टर्मिनल को से देखो, इसने नंबर ऑफ कनेक्टेड यूजर्स बताया 1, और वो एक यूज़र कौन सा, ये। अभी समझो मैं ऐसा करता हूँ, और अब देखो नंबर ऑफ कनेक्टेड यूजर्स 2 है। ठीक है, देखो हमने कंसोल लगाया था ना, अब मैं कोडर 29 से बात करता हूँ, हेलो कोडर, हेलो कोडर भाई, और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, दो दो बार जा रहा है,
दो बार क्यों जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा अभी, ठीक है? दो दो बार क्यों जा रहा है और मैसेज आया क्यों नहीं? मैं टेस्टर के पास जाता हूँ और हेलो दोस्त, हेलो दोस्त लिखता हूँ, इसके पास आ रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक बार दोनों को भी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है क्योंकि हमने बहुत कोड चेंज किया था। मैं कोडर को भी हाई कर रहा हूँ और मैं कोडर इससे कोडर से को और इससे टेस्टर को, और दोनों उसका मैं आईडी देख रहा हूँ वापस से हो गया, ठीक है? अब मैं कोडर से हाई कर रहा हूँ, दो बार जा रहा है, इससे हाई करता हूँ, दो बार जा रहा है, क्यों क्यों? अब ये क्यों हो रहा है भाई? और अगर हम कंसोल करें तो देखो दोनों का भी मैसेज एक एक बार ही आ रहा है। टेस्टर ने कोडर को किया हाय, कोडर ने टेस्टर को किया हाय। अब प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो दोनों को अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा डिबग करके आ जाता हूँ। सॉरी गाइज, आई मेड अ बिट मिस्टेक। क्या बात किया मैंने कि बेसिकली बैकेंड में एक छोटी सी चीज़ थी कि यहाँ पे कुछ रेसिपिएंट एड्रेस मैंने लिखा था, रेसिपिएंट ईमेल। तो क्या हो रहा था, अगर आप इनिशिएट चैट कर रहे हो तो आपका रेसिपिएंट का ही सिर्फ ईमेल आ रहा था एंड प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमने क्या किया भाई, यार ये नहीं किया हमने, यहाँ पे क्या करो, इनिशिएट चैट करो ना तो अपना खुद का, तो यहाँ पे यूजर्स डॉट जो रेसिपिएंट ईमेल था ना फर्स्ट में, स्टोर द रेसिपिएंट सॉकेट आईडी नहीं, इनिशिएट चैट हम खुद कर रहे, तो इनिशिएट द, ये खुद का आईडी नहीं, रेसिपिएंट सॉकेट आईडी स्टोर से। बेसिकली क्या होगा कि हम खुद का ये सॉकेट आईडी स्टोर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम खुद कनेक्टेड है, दूसरे का रेसिपिएंट को क्यों कनेक्टेड दिखाएंगे? और इसके लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो देखो अभी बता रहा है कि कोडर इज ऑफलाइन, क्योंकि अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है ना। देखो अभी मैं बताऊँ कि अभी देखो इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र एक है, ओके? यूज़र कौन सा है? कोडर टेस्ट, ठीक है? कोडर टेस्ट इज़ ऑफलाइन, सिंपल। अभी कौन सा देखो, अभी मैं ये है, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ही सिर्फ जा रहा हूँ। अब बता रहा है ये कि कोडर टेस्ट ऑफलाइन है, ये बात है। और इट वुड बी बेटर कि आप क्लाइंट साइड में आके इस चीज़ को, सॉकेट जो यहाँ पे था यहाँ पे कर दो, और यूज़ मेमो हुक के अंदर उसको ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है? तो ये थोड़ा और बेटर होगा, बार बार सॉकेट्स नहीं बनेंगे आपके, ठीक है? तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब बात क्या है कि अब देखो, अब सब इतना सॉल्यूशन के बाद अब मैं जब इस पर कर रहा हूँ तो देखो ये बता रहा है कि कोडर टेस्ट ऑफलाइन है, क्योंकि अभी तक इसने कुछ बताया नहीं ना किसके ऊपर अगर क्लिक करता तभी जाके इनिशिएट चैट ट्रिगर होता, एंड जब इनिशिएट चैट ट्रिगर होता तब ये जाके यूज़र सब्जेक्ट में जाता। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे किया कोडर टेस्ट इज़ ऑफलाइन, अब मैंने यहाँ पे किया टेस्टर को, अब टेस्टर ऑलरेडी उसके अंदर है, तो क्या चैटिंग विद, अब मैं क्या बोलता हूँ कि टेस्टर को बोलता हूँ कि भाई मेरा कोड टेस्ट कर। तो देखो आ गया मैसेज कोडर से, अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई। तो अभी कैसे मैसेजेस प्रॉपरली आ रहे हैं, ठीक है? बस अभी तक अगर आप मेरे से जुड़े हो तो बहुत सही बात है, लेकिन रुको जाओ मत, क्योंकि अभी मेन सेशन बाकी है। हमने अभी तक प्रोटेक्टेड राउट्स नाम का कोई चीज़ लगाया नहीं है, तो चलो उसकी बात करते हैं कि कैसे आप प्रोटेक्टेड राउट्स लगा सकते हो। ओके कूल, प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ों को क्लोज़ कर दो, अभी सब चीज़ों को क्लोज़ कर दो, सिर्फ ये नोट सर्वर रखो। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐप डॉट जे एस एक्स यहाँ पर लाऊँगा एंड मैं कंपोनेंट बनाऊँगा, ओके? अब कंपोनेंट में मैं प्रोटेक्टेड राउट नाम का एक कंपोनेंट बनाऊँगा एंड उस कंपोनेंट को कुछ इतना बताऊँगा कि मेरे भाई देख, तेरे अंदर अगर कोई कंपोनेंट आता है ना, एक्चुअली वो चिल्ड्रन एक एक्सेप्ट करेगा, तो तेरे अंदर जो भी कंपोनेंट आता है उसको तू चेक कर। अब क्या चेक कर कि अगर तू, अभी छोड़ो मैं आपको दिखाई देता हूँ ना क्या करने का है। देखो प्रोटेक्टेड ROTE प्रोटेक्टेड राउट डॉट जे एस एक्स करूँगा मैं, ठीक है? चलेगा, जे एस एक्स करूँगा तो भी चलेगा, कंपोनेंट है तो चलेगा, प्रोटेक्टेड राउट जे एस एक्स कर, ठीक है? अब देखो बात क्या हो रही है कि डॉट जे एस एक्स बनाया, ठीक है? मैं RFC भी करूँगा, ठीक है? RFC करूँगा, कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा एक चिल्ड्रन, ठीक है? ऑल चिल्ड्रन
क्या होगा, चिल्ड्रन मतलब बेसिकली क्या होता है कि समझो आप एक कंपोनेंट है, समझो मेरा एक नेबर एक कंपोनेंट है, ठीक है, ए बी नेबर। तो इस नेबर में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, अगर समझो मैं इसमें अगर मेरा कुछ और एक कंपोनेंट देता हूँ, लाइक हेलो करके एक कंपोनेंट देता हूँ, तो मेरा हेलो कंपोनेंट इस नेबर कंपोनेंट का चिल्ड्रन बन गया, ठीक है। और समझो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉप डाल के, चिल्ड्रन प्रॉप डाल के कुछ कंपोनेंट ऐसे देता हूँ हेलो, तो ये भी मेथड है चिल्ड्रन पास करने का, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये जो है कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये सेक्शन हट जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है, समझ गए बात। चलो तो अब मैं चिल्ड्रन लूँगा, एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र को डिकोड करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट। सो मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट से यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगा एंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट को बुलाऊँगा, तो मैं इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, अरे ऑथ कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं ना मेरे पास, ऐप कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे, ऐप कॉन्टेक्स्ट ये बुलाया, ठीक है। चलो अब ऐप कॉन्टेक्स्ट से मैंने यूज़र को किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं रिटर्न क्या करूँगा वो बताता हूँ, मैं सिंपल बोलूँगा कि अगर मेरे यूज़र का नॉट ईमेल अगर एग्जिस्ट करता है, तब क्या करो, अगर मेरे यूज़र का ईमेल है तब तो तुम रिटर्न करो चिल्ड्रन जो जैसा है वैसा, बट अगर वैसा नहीं है तो क्या कर दो, उसको नेविगेट कर दो, नेविगेट, वेट, अब नेविगेट करके एक कंपोनेंट है रिएक्ट आउटर डॉम में, उसको नेविगेट कर दो टू लॉग इन, सिंपल। मतलब बेसिकली यूज़र डॉट ईमेल, अगर मेरे पास यूज़र डॉट ईमेल एक्सेस करता है, इसका मतलब कि मैं लॉग इन हूँ, तब जाके इसको चिल्ड्रन दिखा दो, अगर मैं लॉग इन अगर नहीं है वैसा तो उसको नेविगेट टू लॉग इन कर दो, सिंपल सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं, प्रोटेक्टेड कंपोनेंट बन गया, प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टेड राउट में चीज़ों को जो है कुछ लाइक चीज़ों को हम डायरेक्टली सॉर्ट करते हैं यार, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। अब देखो क्या है कि ये एलिमेंट है राइट, ये अब मुझे कौन से पेज पे लगाना है, आप मुझे कमेंट बताओ कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो कौन से पेज पे लगाते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ, किया आपने कमेंट, कुल। अब देखो मुझे एक्सेस किस पे चाहिए, ये दो पेजेस है ना, ये मेन है, ठीक है, एक प्रोफाइल पेज और मेरा एक चैट्स पेज। अब मैं दोनों पे प्रोटेक्टेड कंपोनेंट लगाऊंगा, प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है यार, ओ देखिए यहाँ पे देखो कंपोनेंट है, यहाँ पे लगाऊंगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड राउट लगाऊंगा, और इसके बीच में मैं प्रोफाइल को रैप करूँगा, मतलब अभी प्रोफाइल मेरा चिल्ड्रन है, प्रोफाइल मेरा चिल्ड्रन है, और मैं प्रोफाइल कब दिखेगा, अगर मेरा अगर मैं लॉगड इन हूँ तो, मैं एक काम करो प्रोटेक्टेड राउट को बुला लेता हूँ, देखो सिंपल। अब प्रोटेक्टेड राउट में ये चिल्ड्रन गया, अब क्या होगा, चिल्ड्रन चेक करेगा कि क्या मेरे यूज़र में ईमेल है, अगर हाँ है तो तुम उसको अलाउ करो प्रोफाइल पेज पे, या उसको नेविगेट टू लॉग इन कर दो, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, सेम चैट्स के लिए भी सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे। अब क्या करेंगे हम, अब हम डायरेक्टली इस प्रोटेक्टेड राउट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे, एंड इस पार्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे, और थोड़ा सा ट्रिम, कूल। सो नाउ अभी ये दो प्रोटेक्टेड राउट में मेरे एड्स ऐड है, आप ऐसे मल्टीपल कर सकते हो। नाउ लेट सपोज मैं लॉग इन लॉग आउट हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं देखो अगर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ ना, लाइक प्रोफाइल स्लैश चैट्स, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड राउट्स उसमें लगाए हैं। देखो प्रोफाइल स्लैश चैट्स करो, या तुम तो प्रोफाइल करो, प्रोफाइल करो, तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि प्रोफाइल और प्रोफाइल स्लैश दोनों पे भी लगे हुए हैं। तो भाइयों यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने दोस्तों के साथ इस बिल्ड को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।